नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग समसमाय की घटना चक्र 2022 को देख रहे हैं और याद रखिए इसमें आपका ये सभी एग्ज़ाम चाहे वो आपका यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो जिसमें आप देखते हैं यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस राजस्थान पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस एमपीपीएससी और आप देखते हैं कि सिविल सर्विस की तरह ही आपके स्टेट भी पी एग्ज़ाम करवाते हैं और फिर आप लोग सेंट्रल एग्जाम देख लेते होंगे तमाम एग्जाम होते हैं एसएससी बैंक रेलवे और आप देखते होंगे स्टेट लेवल पर भी दरोगा आई एस SI, आई पुलिस शिक्षक भर्ती तो इन सब के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और समसमाय की घटनाचक जो आप देखते हैं कि हर पी आपका यू पी होता है या यू होता है तो ये उस समय निकलता है प्रिलिम्स के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है तो इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है जिसका समसमाय की घटनाचक 2022 के नाम से नाम रखा गया है इसी में आपकी सभी क्लासें पढ़ी रहेंगी और इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स एक जून 2021 से 10 मई 2022 तक जो भी घटनाएं है, घटी हैं उन सबको शामिल किया गया है इसमें और इसमें पहली क्लास हमारी होगी राष्ट्रीय परिदृश्य की और राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज टू पॉइंट जीरो रायसीना संभाग 2022 प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा हुई थी हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्मार्ट स्मार्ट सिटी शहरीकरण 2022 सांभा 100 गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बनाया और आंध्र प्रदेश में तेरह नए जिले जोड़े गए उन पर भी बात कर लेंगे नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 इस पर भी बात करेंगे पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उन्हें भी देखेंगे राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को भी जानेंगे और ये आप देखेंगे सघन मिशन इंद्रधनुष धनुष फोर पॉइंट जीरो पर बात करेंगे गोवर्धन संयंत्र इंदौर में जो हुआ है उस पर भी बात करेंगे ऊपरी भद्दा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है इसे भी देखेंगे इस्माइल योजना अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग सुरंग स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी पर्वतमाला परियोजना कानपुर मेट्रो का शुभारंभ इतने टॉपिक हम लोग आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं और बड़े ही विस्तार से कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि इन क्लासों को आप लोग कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा सबसे पहले हम लोग चलते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज टू पॉइंट जीरो को देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्री पहल है और जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है और इस पहल को वर्ष दो में स्थापित किया गया था और ए के तहत ही अटल टेकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है और ए टी एल देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है जहां युवा अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या तथ्य याद रखना होगा 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण का के चरण फर्स्ट को लॉन्च किया गया है और याद रखिए एनिक वन को वर्ष दो में लॉन्च किया गया था अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पहल है और यह पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोनिस्को को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक उचित के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों समाधानों को सृजित कर सकते हैं और ए एन आई के माफ करिए एन आई सी को निम्न पांच मंत्रालयों की भागीदारी से लॉन्च किया गया है ये भी आप लोगों को याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय रेल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और आप देखेंगे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार मंत्रालय पांच मंत्रालय इसमें शामिल है ए एन आई सी टू पॉइंट जीरो का चरण एक सात क्षेत्रों में विभक्त अठारह चुनौतियों पर आधारित है ई मोबिलिटी सड़क परिवहन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुपयोग और आप देखेंगे इसमें आपका और आगे है स्वच्छता प्रौद्योगिकी चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण अवशिष्ट प्रबंधन कृषि अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार बात करें तो 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है ए आई एम द्वारा प्राप्त किए गए किए जाने वाले अविष्ट लक्ष्य हैं एक दस हजार अटल टेकरिंग लैब की स्थापना करना 101 अटल इक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना पचास अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना रखना अटल न्यू इंडिया चैलेंजर चैलेंजेस के माध्यम से 200 सौ स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना अगली खबर है रायसीना संवाद से जुड़ी हुई दो हजार बाईस भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक आर्थिकी सम्मेलन है यही एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का विचारों का आदान प्रदान करता है और याद रहे कि रायसीना संवाद के पहले छह संस्करण सफलतापूर्वक क्रमशः 2016, 2017, 18, 19, 20 और 21 में आयोजित हो चुके हैं तो इससे पहले छह बार हो चुका है पच्चीस से सत्ताईस अप्रैल दो हजार बाईस को आयोजन का, का सातवा संस्करण और इसलिए आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है इस से संवाद का आयोजन व्यक्तिकारूप में किया गया है और 2021 में यह संवाद कोविड 19 महामारी के कारण आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था और आवासीय मतलब आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना महामारी में एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था तो डिजिटल रूप से आप देख रहे हैं उसमें भाग ले रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है यह भी याद रखिए दो के संस्करण का केंद्रीय विषय रहा है एम नोवाइड एम्पेटे एम्पटेटेंट और एम्पली ठीक है राइल्ड आप लोग याद रखिएगा और 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ने रायसीना संवाद 2021 का का और 2022 उद्घाटन किया था और इसका सब्जेक्ट थीम जरूर आप लोगों को याद रखना होगा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेन उदघाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही हैं ये भी याद रखिए तीन दिवसीय इस संवाद के दौरान छह विषयगत स्तंभों आप देखेंगे कि पर कई प्रारूपों में पैनल पर चर्चाएं भी आयोजित की गई है। हैं यह छह विषय स्तंभ हैं लोकतंत्र पर पुनर्विचार व्यापार तकनीक और विचारधारा बहुपक्षवाद का अंत एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था जल जलस्त हिंद क्षेत्र में अशांत असा, ज्वार समुदाय इंक स्वास्थ्य विकास और ग्रह के लिए प्रथम उत्तरदाता हरित संक्रमण प्राप्त करना सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकताएँ और सैमसन बनाम गोलियत ए, लगातार और अथक तकनीक योद्ध इस बार सरायसेना संवाद के फारस कार्यक्रमों का आयोजन वर्लिंग और वाशिंगटन डीसी में किया गया है और इस बारसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल कार्लटन विल्ट, विल्ट, विल्ट कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्फर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एवॉर्ड की उपस्थिति भी रही है के संस्करण में 90 से अधिक देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया और याद रहे रायसेना संवाद सिंगापुर के सांगरी ला संबाद से प्रेरित है तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की जो जम्मू कश्मीर यात्रा हुई है और आप देखेंगे 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में आप सभी को मालूम होगा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है तो भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित किया है और इस यात्रा के दौरान तो उन्होंने लगभग बीस हजार करोड़ रुपए लागत की वाली विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास भी किया है और इसी दिन मुंबई के में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनादाथ मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड भी मिला था इस अवार्ड को भी याद रखिएगा कौन किन्हीं मिला है प्रधानमंत्री साहब को बनिहाल काजी गुंड सड़क सुरंग जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजी गुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया इसका निर्माण लगभग आप देखेंगे इकतीस सौ करोड़ रुपए की लागत से हुआ है इस सुरंग की लंबाई आपको याद रखना है आठ दशमलव पैंतालीस किलोमीटर है यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजी गुंड के बीच की दूरी को सोलह किलोमीटर तक कम कर देगी और जबकि यात्रा में लगने वाला समय लगभग डेढ़ घंटे कम हो जाएगा और याद रहे यह दोहरी ट्यूब सुरंग है और फिर आप देखें रतले जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है और शिलान्यास हुआ है इसका इस परियोजना की क्षमता आठ मेगावाट रहेगी और यह परियोजना किश्तवाड़ जिले की चेनाब नदी पर निर्मित की गई जाएगी यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है क्वार जल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे इसका क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट रहेगी यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर निर्मित की जाएगी तो जिस नदी पर बनाई जा रही है उसे भी याद रखिएगा यह परियोजना मैसर्स चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की की जाएगी इस परियोजना से प्रतिवर्ष वर्ष उन्नीस चौवन मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है और वैसे भी आप देखते हैं बिजली की खपत बढ़ती जा रही है रतवे एवं क्वार दोनों ही परियोजना इस क्षेत्र में बिजली की जरूरतों को पूरा करने में योगदान देगी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे तीन रोड पैकेजों का शिलान्यास किया है इस एक्सप्रेस वे की लंबाई आप देखेंगे छः किलोमीटर है और इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा यह ग्रीनफील्ड फील्ड एक्सप्रेस वे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों यथा सुल्तानपुर लोधी गोविंदवाल साहेब खंडूर साहेब तरन तारण और कटरा स्थित वैष्णो देवी की पवित्र हिंदू मंदिरों को आपस में जुड़ेगा यह एक्सप्रेस वे हरियाणा पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों यथा अम्बाला चंडीगढ़ मोहाली संगरूर पटियाला लुधियाना जलंधर कपूरथला कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ेगा तो ये भी याद रखिएगा अमृत सरोवर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल शुरुआत की है और यह पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में पचहत्तर जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है प्रत्येक प्रत्येक अमृतसर सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम एक एकड़ जीरो दशमलव चार हेक्टर होगा इसकी जलधारण क्षमता आप देखेंगे लगभग दस हज़ार क्यूबिक मीटर होगा और प्रत्येक जिले में न्यूनतम पचास पचहत्तर अमृतसर सरोवर के साथ आप देखें देश भर में कुल पचास हजार अमृत सरोवर का निर्माण यह कायाकल्प किया जाएगा और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इनफार्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा सभी अमृत सरोवर के निर्माण कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति वर्ष यानी कि 15 अगस्त 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है अमृत सरोवर सतर एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में वाई में बनकर तैयार हुआ है तो ये भी आप लोग याद रखिए हो सकता है यूपी पी में पूछ ले और वैसे भी आप देखिए पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण है पल्ली देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक और संयंत्र की स्थापना की गई है 500 सौ के वी का यह सौर संयंत्र छः वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया है या संयंत्र इस पंचायत में से 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं पिकास उत्पन्न कराएगा उपलब्ध इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार ग्राम के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है और याद रहे भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया हमारी सरकार के द्वारा फिर हाई हरित हाइड्रोजन संयंत्र इस पर भी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के दिशा में ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दो हजार बीस 20 अप्रैल दो को असम के जोरहाट में भारत के पहले निन्यानवे दशमलव नौ सौ निन्यानवे प्रतिशत शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलेट संयंत्र की शुरुआत की है तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना होगा असम राज्य में हुआ है और आपने देखा है जब से ये नई सरकार आई हुई है ये आप देखते हैं आत्मनिर्भर पर बात करती रहती नवीकरणीय ऊर्जा पर भी बात करती है इस संयंत्र को तीन माह के रिकॉर्ड के समय में शुरू किया गया है और संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन दस किलोग्राम है और याद रहे कि संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो ग्राम पृथ्वीवेदन से बढ़ाकर 30 किलो ग्राम पृथ्वीवेदन होने की उम्मीद है इस संयंत्र द्वारा 500 सौ के वी के डब्लू सो, के सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन को उत्पादन किया जाना है और इस हेतु आप देखेंगे एक सौ के डब्लू की आय आय अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर साइनी का प्रयोग किया जाता है और याद रहे कि ए E, तकनीक का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है हरित हरित हाइड्रोजन हाइड्रोजन ए हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है इसके अलावा यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है यानी कि प्रदूषण नहीं फैलाता है यह जीवास ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है इसका उपयोग परिवहन बिजली उत्पादन औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि जो आप कोयला देखते हैं और ये आप देखते हैं कि कोयला हो फिर चाहे आपका कच्चा तेल हो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा इन्हें बनने में लगता है लंबा टाइम तो उसी का विकल्प देखा जा रहा है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022 इसमें आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुपयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी और 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजित आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है ये भी आप लोगों को याद रखना है या और कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटक्रम संरचना 2022 का विमोचन भी किया गया है इसमें ईज ऑफ लिविंग नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक डाटा परिवक्ता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का भी शुभारम्भ किया गया है इसके साथ ही शहरों के लिए एक एक डाटा पोर्टल ए एम पी एल आई एफ टी लॉन्च भी किया गया है और आप देखेंगे कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है और आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड अवार्ड प्रतियोगिता में 2020 में सूरत गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं और इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम आप लोग पाँच से छः साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया करिएगा एक आपको ओवरव्यू मिलता रहेगा कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग याद रख पाएंगे जब आप करेंट को पढ़ते हैं आई एस ए सी दो हजार बाईस दो हजार बीस के तहत विजेता सूची सूची है ये आप देखेंगे पर ये योजना पुरस्कार विषय बार विजेता संयुक्त विजेता सामाजिक पहलू पर तिरुपति पहले नंबर पर भुवनेश्वर दूसरे नंबर तुमकुरु तीसरे नंबर पर प्रशासन में बड़ोदरा पहले पर थाने दूसरे पर भुवनेश्वर तीसरे पर संस्कृति में नौ चंडीगढ़ सम्मिलित रूप से पहले पर है और ग्वालियर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर है शहरी पर्यावरण में भोपाल चेन्नई पहले पर हैं और तिरुपति तीसरे नंबर पर है और स्वच्छता के मामलों में तिरुपति और इंदौर संयुक्त रूप से पहले पर है और सूरत तीसरे पर है तो ये आप लोग टॉप पर याद रखिए सामाजिक पहलू में तिरुपति प्रशासन में बड़ोदरा संस्कृति में इंदौर चंडीगढ़ शहरी पर्यावरण में भोपाल चेन्नई और स्वच्छता में तिरुपति और इंदौर आपका शामिल है अर्थव्यवस्था में इंदौर है आपका दूसरे पर तिरुपति और आगरा देखने को मिलेगा निर्मित पर्यावरण में इंदौर पहले सूरत दूसरे एरोड तीसरे जल में देखेंगे देहरादून बनारसी पहले पर है सूरत दूसरे तीसरे पर है आई का सतत बिज, बिजनेस मॉडल अगरतला पहले पर है शहरी गतिशीलता औरंगाबाद पहले पर है सूरत दूसरे पर है अहमदाबाद तीसरे पर है नवाचार पुरस्कार नवाचार आइडिया आइडिया पुरस्कार इंदौर पहले पर है गोविंद नवाचार पुरस्कार कल्याणी डब वाली और वाराणसी पहले पर है पर गोविंद नवाचार पुरस्कार राउंड वाइज विजेता राउंड फर्स्ट में चेन्नई राउंड थर्ड में बेंगलोर और राउंड फोर में सहारनपुर सिटी पुरस्कार ओवरऑल विजेता इंदौर और सूरत रहे हैं राज्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश पहले पर दूसरे पर मध्य प्रदेश तीसरे पर तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले पर स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में अहमदाबाद पहले बनारसी दूसरे रांची तीसरे पर है पर आप देखेंगे साबा अगला खबर सांभा आप देखेंगे सौ परसेंट गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बना है तेईस सेप्टेम्बर दो को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को लॉन्च किया गया था और यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसके तहत अस्पतालों में द्वितीय एवं तृतीय स्वास्थ्य सेवा लाभ हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा इसके बारे में पूछ लेता है कि ये एक मेंबर को को देगा या पिती परिवार परिवार लाख रुपए हर साल तो पिती परिवार के हिसाब से है ठीक है और यह पूर्णता नगद रहित और कागज रहित योजना है इस योजना के तहत परिवार के आकार आयु या लिंग की कोई बाध्यता नहीं है इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान दो हजार की सामाजिक आर्थिक जातिगणना जाति जनगणना से चुनिंदा वंचित एवं व्यवसायिक मापदंडों के आधार पर की जाती है एक बात और आपको बता दें देखिए इस तरह की योजना आ जाती है लेकिन योजनाओं का लाभ मिलना बड़ा मुश्किल रहता है लोगों को अब इस कार्ड को बनवाने में आप देखिए नाक में दम हो जाती है याद रहे अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत सौ प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है और याद रखें सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा ये भी याद रखना चाहिए सांबा जिले में यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त हुई है सांबा जिले में निर्वास, निर्वासित प्रत्येक परिवार का ए बी पी एम जे ए सेहत योजना के अंतर्गत हो गया गया है 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 और इस प्रकार गोल्डन वाला देश का पहला जिला बन खबर आंध्र प्रदेश में अब नए जिले और जुड़े गए हैं और आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश वही है जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था एक तमाम एग्जाम में पूछा जा चुका है तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें राज्य के निर्भर वर्तमान तेरह जिलों को पुनर्गठित कर जिलों की संख्या को दोगुना दुग्नी करने का प्रावधान शामिल था नए जिलों का सृजन का निर्णय राज्य में बेहतर प्रशासन एवं विकास के उद्देश्य से लिया गया और इसमें चौदह अप्रैल दो को चार अप्रैल माफ करिए चार अप्रैल दो को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में तेरह नए जिलों का उद्घाटन किया गया और नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात आप देखेंगे राज्य में कुल जिलों की संख्या हो गई तेरह से बढ़कर छब्बीस हो गई अब छब्बीस है राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पच्चीस है कितनी पच्चीस है आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और पॉइंट आप लोग जान लीजिए जरूरी भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या करते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आंध्र प्रदेश आप आंध्र प्रदेश से ही अलग करके आपने मान होगा कि तेलंगाना राज्य बनाया गया था और इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 175 सीटें हैं राज्यसभा में आप देखेंगे ग्यारह सीटें हैं लोकसभा में पच्चीस सीटें हैं और आपकी विधान परिषद भी है जिसमें अंठावन सीटें हैं नौ उद्घाटित तेरह जिले इस तरह हैं पार्वतीपुरम मान्यम ए अल्लूरी सीताराम राजू अन्नागपल्ली ए काकीनाडा कौन सीना उत्तर देखिए दक्षिण भारत में इसी तरह के नाम मिलेंगे एलुरु एन टी आर पलनाडु बावटला और आप देखेंगे कि अंगला है ग्यारवा अन्ना माया ए श्री बालाजी और श्री सत्य साई प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है और हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एस निर्वाचन क्षेत्र दो जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अब्बाद है और जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या अड़तीस दशमलव पंद्रह लाख नए जिलों के गठन के पहले थी और तेरह नए जिलों के गठन के पश्चात आप देखेंगे उन्नीस दशमलव जीरो सात लागपीती जिला जनसंख्या रहेगी यहाँ की फिर नागालैंड की बात कर लीजिए देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है आपने देखा होगा सुना होगा उत्तर प्रदेश में भी यही अपनाया जा रहा है 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहे होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई-विधान राष्ट्रीय ई विधान, विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णता लागू कर प्राप्त की है तो यह भी याद रखिएगा आपको पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा नागालैंड क्या नागालैंड और आप देखेंगे कि नागालैंड की साठ सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट टेव, ई बुक को संबंध एक तरह से जोड़ा गया है और आप देखेंगे नागालैंड के बारे में कुछ और पॉइंट बता देते हैं इसकी राजधानी आप सभी को मालूम होगा कि क्या है कोहिमा है और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में साठ सीटें हैं राज्यसभा में एक सीट है लोकसभा में भी एक सीट है ठीक है और इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग कर सकेंगे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई पिस प्रशासन परियोजना है और इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है और डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो विधानसभाएं तो डिजिटल होना चाहिए ऑनलाइन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट दो रिपोर्ट कार्ड 2021

गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 से जारी की गई है और इस रिपोर्ट में राज्य जिला नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई है राज्यों को चार श्रेणियों यथा स्टार परफॉर्मर कैचिंग के, अप और अन्य राज्यों में विभाजित किया गया है शीष पाँच रैंक प्राप्त करने प्राप्त राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो पश्चिम बंगाल हो उड़ीसा हो गुजरात हो महाराष्ट्र हो वर्ष 2021 में आप देखेंगे स्टार दा जन्स पांचों को याद रखिएगा लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है इसे भी याद रखिएगा और तेलंगाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश असम हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मर्स का दर्जा मिला है और दो में उत्तर प्रदेश सातवें स्थान पर था और दो में ये छठा स्थान पर था और केचिंग ऑफ सैडी ग्यारह से पंद्रह रैंक में क्रमशः बिहार हरियाणा जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ राजस्थान शामिल है आपका अभी आपने देखा होगा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में ही और भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद एक अर, से लेकर दो तक राज्य विधानमंडल के गठन संगठन गठन कार्यकाल और प्रक्रियाओं के विशेष अधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान किया गया हर राज्य में आप देखते हैं कि आपका विधानसभा होती है केंद्र शासित प्रदेश में आप देखें जम्मू कश्मीर हो आपका लक्ष क्या पुडुचेरी हो या फिर आप देखते हैं क्या क्या आपका दिल्ली हो इसमें विधानसभा है आपकी ठीक है अनुच्छेद एक के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है याद रहे कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी है और हर राज्य में नहीं है ठीक है इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की संख्या अधिकतम पाँच और न्यूनतम साठ तय की गई है लेकिन कुछ अपवाद भी हैं कम के ठीक है हालांकि सिक्किम में आप सभी को मालूम है बत्तीस है मिजोरम में चालीस है गोवा में चालीस हैं इसके अपवाद हैं ये आप लोग जरूर याद रखिए पूछ लेता है कई बार और 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए थे और आप देखते हैं कि भारत निर्वाचन है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है आप देखिए कि एक तरह से हमारे देश में जो लोकसभा के हों राज्यसभा के हों विधानसभा के हों विधान परिषद के हों राष्ट्रपति के हों उपराष्ट्रपति के हों इन सब के चुनाव की व्यवस्था करता है चुनाव करवाता है और आप लोग कहेंगे कि जो आपके स्थानीय पंचायत के चुनाव होते हैं इनके लिए हर राज्य में आप देखिए उनका अपना चुनाव आयोग होता है उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग देखा होगा जो पंचायतों के नगर पंचायतों के नगर निगम नगर पालिका के चुनाव की देखरेख करता है और चुनाव राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो चौबीस पच्चीस जनवरी 1950 में इसे बनाया गया था तो ये भी याद रखिएगा और आप लोग आर्टिकल तीन पढ़े हैं इस संविधान का अनुच्छेद तीन सौ चुनाव आयोग से, से संबंधित है पहले हमारे चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे ये भी आप लोग याद रखिएगा पांच राज्यों में पंजाब गोवा उत्तराखंड मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल है और आप देखेंगे पंजाब की सबसे पहले बात करते हैं पंद्रहवीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ पंजाब में एक ही चरण में संपन्न हो गया था एक ही दिन हो गया था राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 117 है टोटल विधानसभा सीटें 117 सौ हैं और राज्य में आम आदमी पार्टी ने बयालीस दशमलव जीरो एक के मत के प्रतिशत के साथ एक सौ सत्रह में से बानवे सीटें हासिल की हैं भारी बहुमत मिला है और सोलह मार्च दो हज़ार बाईस को भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भगवंत मान ने आद्म, आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो दो राज्य संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है और आप देख रहे हैं कि बड़े जल्दी एक तरह से जा रही है आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी ने आप देखेंगे कि बानवे सीटें हासिल की बयालीस दशमलव जीरो एक परसेंट के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस ने अठारह सीटें बाईस दशमलव अंठानवे परसेंट इन्हें वोट मिले श्रोवणवणी अकाली दिन को तीन सीटें मिली और अठारह दशमलव अड़तीस एक तरह से वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें मिली हैं इन्हें छः दशमलव साठ परसेंट मिले बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिले और एक दशमलव सात परसेंट वोट मिले और आप देखेंगे निर्दलीय को एक परसेंट एक सीट मिली केवल ठीक है फिर आप देखते हैं गोवा की बात होती है गोवा विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित थी 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव हुआ है यहाँ टोटल 40 सीटें हैं चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी तैंतीस दशमलव इकतीस परसेंट के मत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें हासिल की है इसने यानी कि सफल रही है और आप देखेंगे अट्ठाईस मार्च दो को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है तो ये भी याद रखिएगा आप लोग और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बीस सीटें मिली हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ग्यारह सीटें हैं आम आदमी पार्टी को दो सीटें मिली हैं महाराष्ट्रवादी गोमंतक को दो और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को एक सीट मिली है तो इस अन्य को चार सीटें मिली हैं तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं उत्तराखंड में भी चुनाव हुए हैं यहाँ इसकी कार्यकाल समाप्ति विधानसभा की समाप्ति हो रही थी तेईस मार्च दो को जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में चौदह फरवरी दो को एक चरण में यहाँ भी चुनाव हुआ है छोटे छोटे राज्य हैं इसलिए जल्दी हो जाता है राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीट यानी कि सत्तर हैं कुल विधानसभा सीटें और चुनाव परिणामों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सैंतालीस सीटें जीती हैं और इन्हें मत प्रतिशत मिला है चवालीस दशमलव तैंतीस प्रतिशत और मार्च दो हज़ार मार तेईस मार्च दो हज़ार बाईस को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आपको बता दूं ये पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए थे अपनी विधानसभा सीट हार गए थे लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब आपको मुख्यमंत्री बनना होता है या कैबिनेट मंत्री बनना होता है राज्यों में तो आपको विधानसभा सदस्य होने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन छः महीने के अंदर आपको विधानसभा सदस्य या विधान परिषद से सदस्य बनना अनिवार्य रहता है इसी तरह केंद्र में भी रहता है ठीक है कि अगर आप लोगों को प्रधानमंत्री बनना है या कैबिनेट मंत्री बनना है तो आपका सदस्य होना जरूरी नहीं है आप को छः महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य बनना अनिवार्य रहता है और भारतीय जनता पार्टी को सैंतालीस सीटें मिली हैं या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं बहुजन समाज पार्टी को दो सीटें मिली हैं और निर्दलीय दो जीते हैं मणिपुर में आप देखेंगे यहाँ भी चुनाव हुआ है और यहाँ विधानसभा दो चरणों में 28 फरवरी 2022 को और 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ है मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में साठ सीटें हैं और चुनाव परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक बत्तीस सीटें मिली हैं और आप देखेंगे सैंतीस वोट मिला है इन्हें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 21 मार्च 2022 को एन वीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री की शपथ ली है भारतीय जनता पार्टी को बत्तीस सीटें नेशनल पीपुल्स पार्टी को सात सीटें जनता दल यूनाइटेड को छः सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पाँच सीटें नागा पीपुल्स फ्रंट को पाँच सीटें और निर्दलीय पाँच जीतें अन्य को पांच ठीक है फिर सबसे जरूरी है उत्तर प्रदेश और आप देखें उत्तर प्रदेश में अठारहवीं विधानसभा हेतु दस फरवरी से सात मार्च 2022 तक सात चरणों में संपन्न हुए ये भी आप लोगों को याद रखना है सात बार में यहाँ चुनाव हुए और सत्रहवीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति चौदह मई दो को बाईस को निर्धारित थी और यहाँ चार विधानसभा सीटें हैं चौरासी अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ये जरूर आप लोग याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है चौरासी सीटें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं यानी कि कहने का मतलब है कि जो आरक्षित होती हैं तो उसी लोग वही लोग लड़ पाते हैं दो अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इकतालीस दशमलव तीन मत प्रतिशत के साथ 403 में से 255 सीटें मिली हैं और आप देखिए यहाँ भी सरकार बनाई है सही बा, बा, बा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने दो लाख पैंतीस मतों के अंतर से सीट जीती है या देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड ये हासिल किया है तो आप समझ सकते हैं कि इतना भारी बहुमत होता है दो लाख चौदह हजार आठ सौ पैंतीस मतों के अंतर से हराना किसी को हर रायबरेली ने राहुल राजपूत पच्चीस वर्ष सापा और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती ये आप देखेंगे पच्चीस वर्ष में सापा अठारहवीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं और आप सभी को मालूम भी होगा कि विधायक बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम तो ये 25 साल में ही विधायक बन गए दोनों समाजवादी पार्टी के हैं तो इनके नाम याद रखिए हो सकता है पूछ लेगा इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी ये छियासी वर्ष सबसे बुजुर्ग विधायक हैं और 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एक काना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है ये भी दोबारा मुख्यमंत्री बने यहां आप देखिए विधानसभा में चार सीटें हैं विधान परिषद में सौ सीटें हैं राज्यसभा में इकत्तीस सीटें हैं लोकसभा में अस्सी सीटें हैं सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में अपना पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने तो आप समझ सकते हैं प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 255 समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा बहुमत पाया एक तरह से आप देखिए अपने वोट परसेंट में बढ़ोतरी किए और आप सोचिए कि कभी इतना वोट परसेंट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है एक सीटें मिली हैं इनका वोट परसेंट आप देखिए बत्तीस दशमलव एक परसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो सीटें मिली हैं दो दशमलव तीन परसेंट वोट मिला है बहुजन समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है बारह दशमलव अठासी परसेंट वोट मिला है राष्ट्रीय लोकदल को आठ सीटें मिली हैं टू वोट मिला है अन्य को छब्बीस सीटें मिली हैं एक बात और आपको बता देता हूँ समझ रहे हैं मायावती की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी दो सीट एक सीट आई राष्ट्रीय कांग्रेस की इतनी हालत हो चुकी दो सीटें आई तो इन्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है चलिए अभी चुनाव की बात होगी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की बात कर लेते हैं जब सरकार का सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य होता है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस समिति निष्क्रिय भूमि बुनियादी ढांचा सार्वजनिक उपक्रम को राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है इस तरह के लेनदेन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में निर्मित हिस्सा परिसंपत्ति में स्थित निवेश का वादा और मुद्री के संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं और इसके बारे में याद रखिए 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी प्रदान की है यह केंद्र सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी पांच करोड़ रुपये और चुकता शेयर पूंजी एक करोड़ रुपये होगी एन एल एम सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी और वर्तमान में सी पी एस सी के पार पास बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं या आंशिक उपयोग वाली भूमि और परिसंपत्तियां मौजूद हैं एन एल एम सी इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा इस प्रक्रिया का समर्थन भी करेगा एन एल एम सी बंद हो चुके सी पी एस सी या एस ए सी पी एस सी जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में है से समर्द परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करेगा और फिर बंद करेगा और मुद्रीकरण भी करेगा फिर आप देखेंगे कि एन एल एम सी सी पी एस सी एस तथा अन्य सरकारी कंपनियों को परामर्श व समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे अपने अपनी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सकें उनका मौद्रीकरण कर सकें और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें चलिए तो हम लोग बात करते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष फोर पॉइंट जीरो के बारे में और आप देखेंगे कि पच्चीस दिसंबर दो को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज करने एवं रक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी कब 25 दिसंबर 2014 में 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था और टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनी घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी और देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए आई एम आई को दिसंबर दो से मार्च दो के मध्य संचालित किया गया और सघन मिशन इंद्रधनुष थ्री पॉइंट जीरो को बाईस 20 फरवरी दो हजार इक्कीस से आप देखेंगे बाईस फरवरी दो हजार दो हजार बाईस दो हजार इक्कीस के मत पंद्रह पंद्रह दिनों के दो दौर बाईस फरवरी से बाईस मार्च तक है याद रखिए मैं संचालित किया गया और देश के सभी जिलों में 90 प्रतिशत तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और सात फरवरी दो को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष फोर पॉइंट जीरो का शुभारंभ किया गया है इस मिशन को तीन दौर में संचालित किया जाएगा आईएमआई एम फोर पॉइंट जीरो को तैंतीस राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के चार सौ सोलह जिलों आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्नित पचहत्तर जिलों सहित संचालित किया जाएगा और मिशन के प्रथम दौर में ग्यारह एवं द्वितीय द्वितीय दौर में बाईस राज्यों केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और मिशन का फोकस अगर देखें तो सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना -19 में के चलते गोवर, गोवर, धन, में बात हो रही है गोबर का पूर्ण रूप से गेलविनाइजिंग ना, ऑर्गेनिक बायो एग्रो और इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों में ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित परीवर्त कर, कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है और आपको बता दूं इसे देसी खाद कहते हैं आप लोग और आप देखेंगे अगर आप लोग अपने खेतों में इसका उपयोग करेंगे तो पैदावार बढ़ती है इससे और 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोबर धन बायो सी एन जी संयंत्र का उद्घाटन किया है जैविक कचरे से बायो सी एन जी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है

राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही है एक प्रमुख लिप्ट सिंचाई परियोजना है कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को की गई घोषणा की केंद्र द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है और इसके चलते इस परियोजना को केंद्र से लगभग साठ प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा कितना सिक्सटी परसेंट और राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है इस परियोजना का उद्देश्य चित्र द्रो चिकमंगलोर दावनगेरे और तुमकोरू के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में स्थाई सिंचाई सुविधा प्रदान करना है इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 यानी कि 2.25 लाख हेक्टर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है और इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया जा रहा है और आपको बता दूं देखिए इस तरह की परियोजना अगर चलती है तो हमारे किसानों को भाइयों को लाभ मिलेगा क्योंकि हमारे देश के किसानों की हालत कितनी बुरी है आप सभी लोग इससे परिचित हैं परियोजना के तहत थोंगा नदी से भद्रा जला जलाशय तक सत्रह दशमलव चालीस हजार मिलियन क्यूबिक से अज अज्जमपुरा सुरंग तक दशमलव परिकल्पना की गई है और सात दशमलव जीरो उन्तालीस किलोमीटर लंबी अज्जमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा परियोजना के क्रियान्वयन विश्व जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है एक अंगली योजना है स्माइल योजना बारह फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है स्माइल का पूर्ण रूप है अजीव का और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता और इसके अगर यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना और इस योजना के अंतर्गत दो उप योजनाएं शामिल हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वि विकास पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष दो हज़ार से दो हज़ार तक की अवधि हेतु तीन सौ पैंसठ करोड़ रुपए आवंटित किए कितने तीन सौ पैंसठ आप समझ रहे हैं एक बड़ी राशि है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए परियोजना के घटक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कौशल विकास और आजीविका संवर्गित चिकित्सा देखभाल गरिमा गृह के रूप में आवास और ट्रांजेंड सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान ई सेवाएं राष्ट्रीय पोर्टल हेल्पलाइन एवं विज्ञापन और अन्य कल्याणकारी उपाय भीख मांगने के लिए कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास फोकस निम्न है सर्वेक्षण और पहचान लामबंदी बचाव आश्रय आश्रय गृह व्यापक पुनर्वास इन सबको याद रखिए हो सकता है यूपीएससी के आपके प्रॉलम्ब में या स्टेट पीसीएस प्रलम्बन में इस तरह के पॉइंट पूछे अगला है अटल सुरंग देश की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनिए छब्बीस मई दो हजार दो, दो को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी और इस सुरंग का पूर्ण नाम है रोहतांग सुरंग है इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा और 24 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रख दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था 3 अक्टूबर दो बीस में नौ फरवरी दो को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और आप देखेंगे कि वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ने इस सुरंग को दस हजार फिट तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूम में प्रमाणित किया है और आप देखेंगे कि इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया गया है किसके द्वारा बीआरओ के द्वारा किया गया है और अटल सुरंग की लंबाई नौ दशमलव जीरो दो किलोमीटर है यह घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है इसकी ऊंचाई पाँच दशमलव पाँच सौ पच्चीस मीटर है यह सुरंग दस दशमलव पाँच मीटर चौड़ी है अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है और यह पूरे पूरे बर्स हिमालय हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखी रखती है जो पहले बर्फबारी के वजह से छः महीने लगभग छः महीने तक अलग धलक रहती थी यह विश्व की पहली टर्नल है जिसमें फोर कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है यह सुरंग सामरिक तौर पर काफी अहम है क्योंकि इसके परिचालन से संपूर्ण सड़क मार्ग से मनाली ले लद्दाख के बीच दूरी में छियालीस किलोमीटर की कमी आई है और इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगभग लगने वाले समय में पाँच से छः चा, चार से पाँच घंटे की बचत होगी तो बड़ी अच्छी बात है टी सुरंग जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक दो किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण की योजना तैयार की है यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से, से जोड़ेगी और इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था उधमपुर से बारामूला तक की दूरी दो किलोमीटर है जिसे चार खंडों में विभाजित किया गया है और परियोजना में आप देखेंगे ये खंड एक हो गया उधमपुर से कटरा खंड दो में कटरा से बनिहाल और खंड तीन में बनिहाल से काजीगुंड और खंड चार में काजीगुंड से बारह मूला मार्ग की लंबाई आप देखेंगे पहले में पच्चीस इसमें एक सौ ग्यारह इसमें अठारह इसमें एक सौ अठारह टोटल है दो सौ बहत्तर सुरंगों की संख्या पहली में दस दूसरे में सत्ताईस पहली थर्ड में एक और फोर में जीरो है और और टोटल इसकी आप देखेंगे किसमें सुरंगों की संख्या अड़तीस एन में मुख्य सुरंग की लंबाई पहली में ग्यारह किलोमीटर और दूसरी में संतानवे दशमलव चौंसठ किलोमीटर और तीसरी में ग्यारह दशमलव दो सौ पंद्रह किलोमीटर टोटल इस तरह से आप देखेंगे एक सौ उन्नीस दशमलव पचासी किलोमीटर सबसे लंबी सुरंग किलोमीटर में तीन दशमलव पंद्रह है पहले खंड में दूसरे में बारह दशमलव पचहत्तर दूसरे में और तीसरे में ग्यारह दशमलव दो सौ पंद्रह ठीक है और यू आर मत्री यूएसबीआरएल परियोजना के अंदर अत्यधिक विषम असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण शामिल है संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगें लंबाई संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है इस इनमें से सबसे लंबी सुरंग टी49 है जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है यह सुरंग कटरा बन वन, कटुरा बनिहाल खंड पर स्थित है निर्माण पूर्ण होने पर टी फोर्टी नाइन देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी वर्तमान में आपकी बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है पीर पंजाल सुरंग की लंबाई ग्यारह दशमलव दो सौ पचहत्तर मीटर है इसकी बारह दशमलव पचहत्तर मीटर हो जाएगी इसकी दो सौ पंद्रह है समझ रहे हैं तो एक दूसरे नंबर पर पहुँच जाएगी टी फोर्टी नाइन सुरंग का निर्माण नाट एन ए टी एम ये आप देखेंगे कि द्वारा किया जा रहा है

और विशिष्टा द्वैतवाद में ब्रह्मा उसकी समस्त कृति जीव और एवं जगत को सत्य माना गया है रामानुजाचार्य ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की जिसमें शामिल है वेदांत सार वेदार्थ संग्रह गीता गीताभाष श्री वैकुंठ गद और वेदांत दीप आदि और श्री श्रीभाष रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है याद रहे कि श्री रामानुजाचार्य ने आस्था जाति और पंथ सहित जीवन में के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया है था और इसी

इस प्रतिमा का उद्घाटन तेरह दिवसीय श्री रामानुज सहस्तादी समारोह के दौरान किया गया है यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की एक हजारवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है और इसकी प्रतिमा की लंबाई आप देखेंगे दो सौ सोलह फिट है और यह प्रतिमा पति प्रतिमा चौवन फिट ऊंची आधार भवन पर स्थापित है जिसे भद्र बेदी नाम दिया गया और इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुचार्य आश्रम की श्री चिन्ना जीअर स्वामी ने की थी और स्टैच्यू ऑफ इक्लिटी दो सौ सोलह फीट की अंतर्गत भद्रविधि पद्म पीठम रामानुचार्य प्रतिमा उत्तरी दंडम शामिल है इसमें और आप देखेंगे यह प्रतिमा पंच, पंच लोहे पंच पांच धातुओं का संयोजन से निर्मित है ये पांच धातु हैं इसमें स्वर्ण चांदी तांबा पीतल जस्ता शामिल है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर आप देखेंगे लगभग सोलह सौ टुकड़ों में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था भारत ने इन टुकड़ों को असेंबल कर पूरी प्रतिमा तैयार की है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया इसकी अगर प्रतिमा देखें ऊंचाई तो 200 सौ माफ करिए तीन सौ दो फिट है और फिर आप देखें स्टैचू ऑफ बिलीप वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वारा दौा, के में भगवान शिव की तीन सौ ग्यारह फिट ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है इसे स्टैचू इस ऑफ बिलीप नाम दिया गया है यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी स्टैचू ऑफ पीस ग्यारह सोलह नवम्बर दो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था यह जैनाचार श्री विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की एक सौ इक्यावनवी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था इस प्रतिमा इसकी ऊंचाई आप देखेंगे एक सौ इक्यावन इंच है और यह प्रतिमा अष्ट धातु आठ धातुओं से निर्मित है जिसमें तांबा मुख्य घटक है यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है विजय वल्लभ महाराज ये आप देखें 1870 से उन्नीस सौ में जैन धर्म जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए भाव से भगवान महावीर के संदेश के संदेश प्रसार का काम किया था चलिए अंगली है आपकी पर्वतमाला परियोजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दो हजार बीस के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की है हर साल बजट भी तो आता है हमारा और यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रूपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएगी यह घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के लिए आठ रूपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की जाएगी यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मणिपुर जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है याद रहे कि वाराणसी में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गोदोलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी पैसेंजर रोप का उद्घाटन बीस 20 अगस्त दो को किया गया था और लगभग दो किलोमीटर लंबा यह रूप किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोप माना जाता है तो ये भी याद रखिएगा आगे है कानपुर मेट्रो का शुभारंभ आप देखेंगे विश्व की पहली मेट्रो पॉलिटिन मेट्रो रेल की सेवा की शुरुआत अठारह में लंदन में हुई थी कब अठारह में भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ उन्नीस में कोलकाता में हुआ था भी आप लोग याद रखिए कई बार क्वेश्चन की वनडे और मुझे लगता है कि वन के तो ये ही हाल में मेट्रो रेल का परियोजना परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में की गई थी जिसका निर्माण काल नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ था और 18 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया कानपुर मेट्रो इस खंड में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है जिसमें नौ मेट्रो स्टेशन हैं और कानपुर मेट्रो परियोजना में कुल लंबाई बत्तीस किलोमीटर है जिसमें तेरह किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा इस परियोजना को दो गलियारों में विभाजित किया गया है प्रथम गलियारा आई कानपुर से नौवस्था तक और द्वितीय गलियारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से वारा आठ तक परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 रखी गई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है प्राथमिक खंड कानपुर से मोती झील के सभी नौ मेट्रो स्टेशन को हरित भवन परिषद की प्लेटिनियम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है जो इसे पर्यावरण के प्रति सुरक्षित बनाता है क्या बनाता है सुरक्षित बनाता है और हरित भवन संहिता मानदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए आई एस ओ प्रमाणन तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए आई एस पैंतालीस हजार एक प्रमाणन से प्रमाणित भी किया गया है यह डबल टी गर्डर, गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेलवे रेल नेटवर्क है आगे है हरित ऊर्जा गलियारा चरण दूसरा स्टेज दूसरा सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रेड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंकोनाइज़ करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है और 6 जनवरी 2020 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय पार्वसन प्रणाली हरित ऊर्जा चरण सेकंड योजना को मंजूरी दी है इसके तहत लगभग आप देखेंगे दस सर्किट किलोमीटर पारिसन लाइन तथा सब स्टेशनों की लंबाई सत्ताईस हजार पाँच सौ मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की मंजूरी दी गई है और इस परियोजना से सात राज्यों में लगभग बीस आप देखेंगे बीस जी डब्ल्यू क्षमता की नवीकरणीय मेगा वोल्ट आप दे बीस जी बी घीगा एक तरह से आप देखिए क्षमता की नवीकरण ऊर्जा परियोजना के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी मदद मिलेगी जी जी मतलब गीगावाट की बात हो रही है ठीक है और आप देखेंगे कि सात राज्यों में शामिल हैं इसमें गुजरात है हिमाचल प्रदेश हो गया कर्नाटक केरल राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश हो गया हरित ऊर्जा गलियारा चरण सेकेंड दो हज़ार से दो हज़ार की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा और इस योजना से वर्ष दो तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और याद रहे 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण एक को मंजूरी प्रदान की गई थी और चरण एक के तहत आठ राज्यों तमिलनाडु राजस्थान कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था इसमें फिर आप देखेंगे बीना बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों कच्चे तेल और गैस की ढुलाई को सबसे सस्ता सबसे सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल साधन माना जाता है और पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है पाइपलाइनों का नेटवर्क देश में कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में काफ़ी सहायक भी हो रहा है तो इसको तो जरूर याद रखिएगा थोड़ा इसके बारे में और 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश में और पन की उत्तर प्रदेश बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है इस पाइपलाइन का संचालन बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा और आप देखेंगे कि यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश की पनकी स्थित ओ एल और टर्मिनल तक विस्तृत है यानी कि फैली हुई है और तीन किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे दो किलोमीटर और मध्य प्रदेश में तिहत्तर किलोमीटर की क्षमता लगभग तीन दशमलव पैंतालीस मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी हर साल और इस पाइपलाइन का व्यास अठारह इंच है और इस परियोजना की कुल लागत आप देखेंगे पंद्रह

और इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग अड़सठ प्रतिशत की कटौती होगी और नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग दो हजार इस को भी याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं नवाचार उपलब्धियों पर इस संस्थानों की अटल रैंकिंग रैंकिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है इसका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को रूप से रैंक प्रदान करना है इस पहल का कार्यान्वयन ए आई सी टी ई तथा शिक्षा मंत्रालय की नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है और आप देखेंगे उनतीस दिसंबर दो हजार इक्कीस को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ए आर कौन सी यही इस आप देखेंगे ए आर आई आई ए दो हजार इक्कीस के परिणामों की घोषणा की गई है और यह ए आर आई आई ए का तृतीय संस्करण है तीसरा संस्करण है इसका कौन सा तीसरा संस्करण है और इसमें आप देखेंगे कि ए आर आई आई ए के प्रथम संस्करण को अप्रैल 2019 में और द्वितीय संस्करण को अगस्त 2020 जार में जारी किया गया था तो इसे भी याद रखिए पहला ये अप्रैल 2019 में आया था ए आर आई ए ए आर आई आई ए के सज्ञ संस्करण में गैर तकनीकी संस्थाओं के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है और इस वर्ष ए आर आई आई ए में कुल चौदह संस्थानों की भागीदारी रही है द्वितीय संस्करण में आप देखेंगे कुल छह संस्थान की तुलना में दोगने से भी अधिक हैं और ए आर आई आई ए दो में भागीदारी संस्थाओं को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया तकनीकी और गैर तकनीकी में विभक्त किया गया है और ए आर आई आई ए दो हज़ार इक्कीस के अनुसार आई आई टी मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे सम शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसे सी एफ टी आई एस केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी श्रेणी में रैंकिंग प्रदान की गई है और शनिवार उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में आप देखेंगे केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी सीस पाँच हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहले नंबर पर है तमिलनाडु में राज्य भारतीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे दो नंबर पर है महाराष्ट्र में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे नंबर पर दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ये उत्तर प्रदेश में है चौथे नंबर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोड़की पांचवें नंबर पर उत्तराखंड में तो आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तमिलनाडु में ही पहले नंबर पर है राज्य विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय राजकीय एवं राज्य वित्त पोषित तकनीकी पांच इसमें आप देखें पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब में है पहले नंबर पर दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली में दूसरे नंबर पर नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस भी दिल्ली में तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौथे नंबर पर हरियाणा में अविनाशी अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन पांचवें नंबर पर इसमें पंजाब विश्वविद्यालय पहले नंबर पर यह भी याद रखिएगा क्या रहता है कि पहला जरूर पूछता है राजकीय महाविद्यालय संस्थान राजकीय एवं राज्य वित्त पोषित तकनीकी अभियांत्र की महाविद्यालय पुणे पहले नंबर पर महाराष्ट्र में पी एस जी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय दूसरे पर तमिलनाडु में एल एन डी की महाविद्यालय तीसरे नंबर पर गुजरात में त्यागराज अभियान की महाविद्यालय चौथे नंबर पर तमिलनाडु में वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र में है और विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय सौ स्वघोषित निजी तकनीक श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरदा उड़ीसा में देखने को मिलेगा जबकि श्रेणी में चिक, चित विश्वविद्यालय पंजाब द्वितीय स्थान पर है निजी महाविद्यालय संस्थान सौ वित्तपोषित निजी तकनीक श्रेणी में जी एच सोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र पिथमन पे है और आर एम के अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु ये द्वितीय स्थान पर है और गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों की दो श्रेणियाँ में विभक्त किया गया जिसका विवरण निम्न है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय वित्त पोषित गैर तकनीकी श्रेणी के पहले स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय प्रबंध संस्थान कोची कोड है सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत भारतीय उद्यमिता उद्यमशीलता विकास संस्थान गुजरात सीस पर है वहीं श्री नारायण कॉलेज केरल द्वितीय पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल तृतीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें आप देखें तो सी एफ टी आई एस राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर चौथे और मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज दसवें स्थान पर है और सौ पोषित और निजी विश्वविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालय तक की रैंकिंग में एम टी अमेटी बोल अम ईटी बोल देते हैं एम बोल देते हैं विश्वविद्यालय नोएडा नौवें स्थान पर है निजी सौ वित्त पोषित महाविद्यालय संस्थान तकनीकी वर्ग में के आई ई टी समूह संस्थान उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है तीसरे स्थान पर है और आप देखेंगे कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग एक स्वास्थ्य सूचकांक का विकास कर उसे एक गैर ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधनों के रूप में स्थापित करने हेतु तो प्रतिबद्ध है जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था और आप देखेंगे 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया है और यह है रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनकी वृद्धिमान परिवर्तन वर्ष दर वर्ष प्रगति तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है एस आधार वर्ष 2018 और आप देखेंगे, 1920 रखा गया है, जो -90 से पूर्व की स्थिति और समाहित करता तुलना सु, 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 को, को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं शासित प्रदेशों को निम्न तीन श्रेणियों बड़े राज्य छोटे राज्य और शासित प्रदेशों की रैंकिंग प्रदान की गई है राज्यों के संदर्भ में वर्ष में सूचकांक स्कोर के आधार पर तीन वर्गों फ्रंट रनर अचीवर्स और स्पायरेंड्स में वर्गीकृत किया गया है संदर्भ बस में आप देखेंगे 2019-20 के बड़े राज्यों में क्रमशः केरल तमिलनाडु तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से टॉप पर शीस पर है और समर्शन दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य घोषित किया गया है शीर्ष पाँच राज्य बड़े हैं जैसे समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ में केरल आप देखेंगे पहले नंबर पर स्कोर बयासी दूसरा तमिलनाडु बहत्तर स्कोर के साथ तीसरे पर तेलंगाना उनहत्तर दशमलव छियानवे

पांच राज्य छोटे देखें समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से तो निजोरम पहले नंबर पर है पचहत्तर दशमलव सतहत्तर स्कोर के साथ त्रिपुरा दूसरे नंबर पर है सत्तर दशमलव सोलह स्कोर के साथ सिक्किम तीसरे पर है पचपन दशमलव तिरपन स्कोर के साथ गोवा पांचवें नंबर चौथे नंबर पर है तिरपन दशमलव अड़सठ स्कोर के साथ मेघालय तैंतालीस दशमलव जीरो पाँच स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष दो हज़ार में समग्र प्रदर्शन के आधार पर दमन द्वीप तथा नागर हवेली प्रथम स्थान पर है जबकि अंडमान निकोबार अंतिम सातवें स्थान पर है तो ये भी याद रखिएगा अब हम लोग हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं और हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में चुनाव भी है आप सभी को मालूम भी होगा इसलिए भी अब देखिए हमारे देश की एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ काम होना शुरू हो जाता है बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास होने लगता है 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में ग्यारह करोड़ रुपए लागत की जलविद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है ये जल विद्युत परियोजना है रेणुकाजी बांध परियोजना लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना सावणा कोडो जल विद्युत परियोजना सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना एक बात और आपको बता देता हूँ देखिए ये पूछ लेगा कि ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है और आपके कई बार आप देखते हैं कि क्रम में लगाने के लिए आ जाती है राज्यों से मिलाने करने के लिए आ जाती हैं तो सभी को आप लोग याद रखना होगा और हिमाचल प्रदेश वैसे आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी शिमला है समर राजधानी विंटर राजधानी धर्मशाला है यहाँ आप देखते हैं कि अड़सठ सीट हैं विधानसभा में ठीक है कितनी अड़सठ सीट है और सबसे पहले बात करते हैं रेणुका जी बांध परियोजना की यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है इस बांध परियोजना को ग्रीन नदी पर बनाया गया है और गिरी यमुना नदी की सहायक नदी है किसकी यमुना नदी की और इस परियोजना की क्षमता लगभग चालीस मेगावाट है इस यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी उसे वर्ष प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और आप देखेंगे रेणुकाजी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा और इसमें अगर आप देखें जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान को जल प्राप्त होगा और याद रहे, रहे बांध परियोजना का हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और छह राज्य संघ शासित क्षेत्रों इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर भी हुए याद रहे 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था लोहिरी चरण फर्स्ट आप देखेंगे विद्युत परियोजना है जल विद्युत परियोजना यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में देखने को मिलेगी इस परियोजना को सतलुज नदी पर मनाया जा रहा है इसकी स्थापित इस क्षमता आप देखेंगे 210 मेगावाट है और इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष सात सौ अंठावन दशमलव बीस मिलियन यू यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से छह दशमलव एक लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड से के उत्सर्जन में कमी लाई आएगी तीसरी आप देखेंगे धौला सिद्ध परियोजना यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जिले में देखने को मिलेगी इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है इसकी क्षमता आप देखेंगे कि छियासठ मेगावाट है और इससे प्रतिवर्ष तीन सौ चार मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी और परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष पर्यावरण से दो लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित उत्सर्जन में कमी आएगी सावना सावना कुड्डू जल विद्युत परियोजना यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आपको देखने को मिलेगी इसे पब्बर नदी यमुना नदी की सहायक पर बनाया गया है इसकी क्षमता 111 मेगावाट है और इससे तीन मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में देखने को मिलेगी यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है इसकी क्षमता आप देखेंगे दो मेगावाट है और इससे प्रतिवर्ष लगभग तेरह बयासी मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन होगा इसके साथ ही पर्यावरण से को कम करने में सहायता भी प्राप्त होगी और एक बात और आपको बता दूं इस तरह की परियोजनाओं से क्या रहेगा कि जलवायु परिवर्तन जो देखें, आप देख रहे हैं प्रदूषण फैल रहा है आप कच्चा तेल आप लोग उपयोग करते हैं पेट्रोल डीजल या गैस या आप देखते हैं कि आप लोग कोयले से विद्युत उत्पादन करते हैं तो इससे पर्यावरण को नुकसान बहुत होता है अब बात करते हैं सुशासन सूचकांक दो हजार के बारे में सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात हो रही है सभी राज्यों के अंदर केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन और उनकी सरकार उनकी सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव से अवगत होने का एक रूप साधन है और सुशासन सूचकांक दो हजार के विकास प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली और सुशासन केंद्र हैदराबाद के, के तकनीकी सहयोग से किया है इसे 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तो और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक दो हजार जारी किया गया यह, यह इस सूचकांक का द्वितीय चरण है यह इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था इसमें राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है अन्य राज्य समूह ए अन्य राज्य समूह बी और उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है चार भागों में सुशासन सूचक दो हजार बीस इक्कीस में जम्मू कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र को पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया ये भी जरूर याद रखिएगा और जम्मू कश्मीर वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं काफी चर्चा में बना हुआ है और आप देखेंगे जी 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 आई दो हजार बीस इक्कीस के तहत दस प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत अंठावन संकेतकों के आधार पर राज्यों के केन्द्रशासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप स्थान पर है देखिए ए में आप देखें गुजरात बी में मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर है सुशासन सूचकांक के दस क्षेत्र निम्नवत है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र वाणिज्य एवं उद्योग मानव संसाधन विकास सार्वजनिक स्वास्थ्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता आर्थिक शासन सामाजिक कल्याण विकास न्याय एवं सार्वजनिक सुरक्षा पर्यावरण क्या पर्यावरण नागरिक केंद्रित शासन संयुक्त रैंकिंग में समूह में बी के कुल आठ राज्यों में उत्तर प्रदेश को पांचवा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है पांचवा स्थान मिला है फिर बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक है आपका महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि और आप सभी जानते हैं कि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया कई लोगों ने इसका फायदा सम्मान भी किया है और मुझे लगता है देखिए कोई भी काम हो रहा है उसके दो पक्ष होते हैं अगर आप देखिए कि कोई नियम आ रहा है अगर उसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि उसके फायदे देखने को मिलेंगे और उसके अगर आप देखिए कि अगर अच्छी तरह से लागू नहीं होता है तो उसके नुकसान देखने को मिलेगा अब इसी की बात कर लीजिए विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर कानूनी हस्तक्षेप आज़ादी से पहले का है हर विलास शारदा ने हर विलास शारदा ने उन्नीस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक विधेयक प्रस्तावित किया था आप सभी जानते हैं कि पहले बचपन में ही शादियां हो जाती थीं। आगे जाकर इसके जरिए जो कानून बना हुआ है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया और इस अधिनियम के जरिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय की गई इसके जरिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु चौदह वर्ष और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष की गई थी फिर आप देखेंगे 1978 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया जिसके अनुसार लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी और बाल विवाह जैसी कुपिता का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य एस डी जी एंड एस्टेजी फाइव का हिस्सा है और आप लोग याद रखिए सतत विकास जो लक्ष्य है उन्हें जरूर याद रख लीजिए प्रलिम्स में आपको फायदा पहुंचाएंगे मुख्य परीक्षा में फायदा पहुंचाएंगे और आप जब निबंध लिखेंगे तो उसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम दो में संशोधन को मंजूरी दी है इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तीन वर्षों की वृद्धि अठारह से इक्कीस वर्ष करनी है और संसद ने इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी आयु एक समान इक्कीस वर्ष हो जाएगी और आप देखिए अब कोई कम बढ़ नहीं रहेगी दोनों में बराबर हो जाएगी केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थाई समिति के पास भेज दिया गया अब आप लोग खुद जानते हैं हमारे देश में आप लोग भली आप देखिए बाल विवाह पर कानून आ चुका हो सब कुछ आ चुका हो लेकिन अभी भी देश में कई हिस्सों में ये होता है अठारह साल की कम उम्र में भी लड़कियों की शादी लड़कों की शादी कर दी जाती है और मेरा देखिए मानना ऐसा है हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ अगर बच्चों को पढ़ाई दी जाती है लड़कियों को लड़कों को पढ़ाई दी जाती है अच्छी शिक्षा मिलती है माँ बो मप मा पर कम उस शिक्षा का बोझ पड़ता है तो मुझे लगता है कि वैसे भी इक्कीस साल निकल जाएगी पढ़ते पढ़ते जब तक वो आराम से अपने सेटल ना हो जिंदगी में लेकिन हमारे देश में क्या है शिक्षा है इतनी महंगी तो हर बाप सोचता है कि चलिए अब छोड़िए बच्चों को पढ़ाना छोड़िए वैसे भी घर की स्थिति बुरी है और शादी कर दीजिए और जब आप देखिए जब लड़की पढ़ेगी नहीं या लड़का नहीं पढ़ेगा घर में बैठा रहेगा तो उसकी शादी बहुत जल्दी भी हो जाती है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर स्वास्थ्य पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना यह मूलता वर्ष 1974 में सरयू नहर परियोजना की परिकल्पना लेफ्ट बैंक घाघरा नगहर परियोजना के रूप में की गई प्रारंभ में इस परियोजना का उद्देश्य बहराइच गोंडा जिलों की दो हजार हेक्टर भूमि को सिंचित करना था हालांकि परिवर्तन मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नदी नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु तो उपयोग करने की इस, इस परियोजना को डिजाइन किया गया है इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र उद्देश्य क्षेत्र जल संसाधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित करना है इस परियोजना में पांच नदियां घाघरा सरयू राप्ती बानगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है यह परियोजना तीन चरणों चरण फर्स्ट चरण सेकेंड और चरण तीन में क्रियान्वित की जाएगी दो हजार में से राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था कब दो में महोबा में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन उन्नीस नवम्बर दो को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा मध्य महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है इन परियोजनाओं में शामिल है अर्जुन सहायक परियोजना रतौली बियर परियोजना, परियोजना भावनी बांध परियोजना मझगांव चिल्ली कलर परियोजना और आपको बता दूं देखिए महोबा हो हमीरपुर हो बांदा हो ये काफी सूखे ग्रस्त क्षेत्र हैं। इस परियोजना में महोबा हमीरपुर बांदा ललितपुर की लगभग पैंसठ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव है इस परियोजना से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा और देश भर में कई जगह आप देखते हैं पानी पीने की भी किल्लत होती है यह परियोजना चौदह दशमलव जीरो चार लाख हेक्टर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी इस परियोजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिले बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा सिद्धार्थ नगर बस्ती संत कबीर नगर गोरखपुर महाराजगंज लाभान्वित होंगे और झांसी में उद्घाटित उद कुछ परियोजनाएं हैं और झांसी वाला क्षेत्र भी आप देखिए पानी से बड़ा प्रभावित है बहुत कम ही देखी जाती है बुंदेलखंड का क्षेत्र

बरीता दी जा रही है इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष दो हजार चौदह से वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा रही है जो बदलते परिदृश्य परिदृश्य के अनुसार नियोजन पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 का जारी की गई है और इस रिपोर्ट का नौवा संस्करण है इस रिपोर्ट में 28 राज्य आठ संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को दो पृथक गतिविधियों वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण तथा इंडिया हायरिंग स्टैंड सर्वे का समावेश मेलन है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 हज़ार बाईस वी बॉक्स पीपुल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है इस रिपोर्ट को तो तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और सन स्टोन ड्यूवर्सिटी ए केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भी सहयोग किया गया है रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है यह 2021 के पैंतालीस दशमलव संतानवे प्रतिशत से बढ़कर 22 2022 में छियालीस दशमलव दो प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है और रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं आईटी टी फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस जैसे क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर हैं दो में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले तीन राज्य हैं महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु पहले पर महाराष्ट्र दूसरे पर कर्नाटक तीसरे पर तमिलनाडु उच्चतम नियोजनयता की वाले शीर्ष पांच राज्य महाराष्ट्र पहले पर है छियासी छियासठ दशमलव एक परसेंट के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे केरल तीसरे पश्चिम बंगाल पांचवे कर्नाटक चौथे स्कोर याद रखना हो तो रख लीजिएगा वरना आप देखेंगे टॉप रैंकिंग पूछी जाएगी और कम से कम टॉप तीन याद जरूर रखा करिएगा महाराष्ट्र पहले पर है उच्चतम नियोजनयता वाले शीर्ष पांच शहर पुणे पहले पर है अठहत्तर दशमलव ग्यारह परसेंट के साथ लखनऊ दूसरे त्रिवेंद्रम कोलकाता बेंगलोर इस तरह से इन्हें भी याद रख सकते हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार सहभागिता में सड़सठ प्रतिशत पुरुषों और तैंतीस प्रतिशत महिलाओं का योगदान रहा है 2020 में महिलाओं की नियोजनता सैंतालीस प्रतिशत दो में इकतालीस दशमलव पाँच पच्चीस प्रतिशत और दो में इक्यावन दशमलव चवालीस प्रतिशत दर्ज की गई है अब आप देखिए कैन बैतवा लिंक परियोजना एक काफी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहती है तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना कैनवेदा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जल अधिक क्षेत्रों से सूखा प्रभावित एवं जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुंचाने हेतु तो अंतर्राज्य सहयोग की शुरुआत हुई है और आप देखेंगे 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त और क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की है यह परियोजना राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और आप सोचिए कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी हुई थी इस परियोजना के तहत जल अधिकृत कैन नदी का पानी बैतवा नदी में भेजा जाना है और ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं और आप देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जिसमें चाहे आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा हो या उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो पानी की किल्लत से बहुत जूझता रहता है यहाँ के किसान आप देखिए बहुत बुरी स्थिति में अगर परियोजना पूरी हो जाती है तो आप देखेंगे किसानों को बेतवा नदी, नदी में भेजा जाएगा इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा पहला चरण दोधन बांध पावर हाउस नहर का निर्माण दूसरा होगा लोअर ओर बांध कोठा बैराज और बीना संकुल परियोजना का निर्माण होगा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बेतवा लिंक बेत कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशिष्ट प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी परियोजना से प्रतिवर्ष दस दशमलव बासठ लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकेगी लगभग बासठ लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी 103 मेगावाट और 27 मेगावाट मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा झांसी और ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह दतिया विदिशा व शिवपुरी रायसेन इससे लाभान्वित होंगे ये जरूर जिले याद रखिएगा पूछे जा सकते हैं आपसे और केन बेतवा नदी के बारे में बात करें तो कैन नदी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश में है अहिरन गावन और इसकी कुल लंबाई दो इसकी लंबाई चार किलोमीटर है जिसमें आप देखेंगे दो किलोमीटर मध्य प्रदेश में चौरासी किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है यह बांदा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिलती है इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात और केन घड़ियाल सेंचुरी दो प्रमुख पर्यटन आकर्षण के केंद्र हैं बैतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित बारखेड़ा गांव है बैतवा नदी पर राजघाट परिच पारीछा माता टीला बांध निर्मित है और आप लोग घूमने भी गए होंगे अगर इस क्षेत्र में रहते हैं तो अब बात करते हैं भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं और पुलिस को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय के रूप में रखा गया है सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में जिन जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए अधिक जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित होती हैं जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अधिक मामला है दिल्ली में आप देखिए पुलिस व्यवस्था केंद्र के अंडर में रहती है इसलिए आप देखते हैं कि झड़प होती रहती है आपस में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की और मध्यप्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं भोपाल इसकी राजधानी है एक नवंबर उन्नीस में से राज्य बनाया गया था और आप देखेंगे एक नवंबर सन 2000 में से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं विधानसभा में 230 सीटें हो गई राज्यसभा में 11 सीटें हैं लोकसभा में 29 सीटें हैं दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया यहाँ और मकरंद देवस्कर भोपाल के तथा हरे नारायण चारी में से इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कर्म कमिन कमिश्नर्स के पास देह व्यापार पशु कुर्ता विस्फोट पदार्थ जिला वदर लाठीचार्ज फायरिंग धरना प्रदर्शन होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा और इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 107, 116, 144, एक सौ का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे और पुलिस प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत सख्तियां प्राप्त हैं पुलिस अधिनियम अठारह बंदी अधिनियम उन्नीस सौ अधिनियम अधिनियम उन्नीस अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम उन्नीस सौ सड़सठ मोटर वाहन अधिनियम उन्नीस सौ अठासी और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम उन्नीस सौ नब्बे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम उन्नीस सौ छब्बीस और उत्तर प्रदेश के चार जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है लखनऊ गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी कानपुर एक बात और आपको बताऊं देखिए इसमें आप देखिए ये पुराने कानून है आज़ादी के पहले के कानून बने हुए हैं नियम बने हुए हैं इसी को लेकर आप देखते हैं कि आलोचना भी होती रहती है कि उस समय जो कानून बनाए हुए थे वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए हुए थे अपने फायदे के हिसाब से बनाए हुए थे और हम लोग आज़ाद हो चुके हैं हमें नई व्यवस्था एक तरह से स्थापित करनी चाहिए चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना के बारे में अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हरित हाइड्रोजन कहा जाता है यह गुण इसे परिवहन और बिजली उत्पादन अनुपयोग हेतु एक आकर्षक ईंधन का विकल्प बनाता है याद रहे कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी और आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने बिलूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिलूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की यह गठबंधन एन टीपीसीद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रेड परियोजना हेतु किया गया है इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए बिलूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा और आप देखेंगे यह दो सौ चालीस का ठोस ऑक्साइड और उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा और इसके तत्पश्चात 50 के डब्ल्यू की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत में परिवर्तित कर देगा इस कार्बन कार्बन उदासीन विद्युत से सिमरहाद्री स्थित एन टी पी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी यह अब इसकी सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी यह परियोजना दो तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है फिर आप देखिए है पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की गई है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालन बनाने हेतु प्रतिबद्ध है ये पहले पहल गाँव ये पहल गांव उनकी प्राकृतिक छवि प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता पाक कला सहित स्थानीय मूलों गतिविधियों के संरक्षण में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करती है यहाँ एक संगठन की बात हुई है यू की देखिए एक बात और बता दूं आप लोगों को इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक समान जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा इनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका अगर यूनाइटेड यु, नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी आप लोग जरूर याद रखना चाहिए इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस इसे कहते हैं आप लोग संयुक्त राष्ट्र आप समझ रहे हैं और इसका हेडक्वाटर अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा आपको यूएसए में और यहाँ एक और यू एन डब्लू टी ओ इसके बारे में भी याद रखिए डब्लू टी ओ के बारे में और इसकी स्थापना उन्नीस सौ छियालीस में हुई थी Madrid, में इसका देखने को मिलेगा। UNWTO की महासभा का सत्र 30 30 पांच वैश्विक क्षेत्रों में स्थित बत्तीस देशों के कुल चौवालीस गांवों को वर्ष 2021 हजार इक्कीस सेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया यूएन टी द्वारा चयनित चौवालीस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में भारत का पोचमपल्ली पल्ली गाँव भी शामिल है पोचमपल्ली तेलंगाना के नल गोंडा जिले में देखने को मिलेगा ये तेलंगाना का है याद रखिएगा और तेलंगाना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि ये आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था कब की बात है ये बात है आपकी 2 जून 2014 की हैदराबाद इसकी राजधानी यहाँ विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेगी राज्यसभा में सात सीटें हैं यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है 2004 में भौगोलिक पोचमपल्ली के नाम से भी आप लोग जानते हैं याद रखिए 18 अप्रैल उन्नीस को इस गांव में आचार्य विनोबा भाभी ने भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने यूएन डब्लू टीओ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाने हेतु भारतीय प्रविष्टि के रूप में तीन गाँव को नामित किया था तीन गाँव थे ंग मेघालय का म, लद लदपुरा खास मध्य प्रदेश का पोचम तेलंगाना का इनमें से पोचम को यू एन डब्लू टी ओ द्वारा पुरस्कृत किया गया है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा लदपुरा खास मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है लदपुरा खास ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है और निवाड़ी आपने देखा होगा नया जिला बना था मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से अलग करके कोंग थोंग गाँव मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में है इसे भीसलिंग गांव सिटी वाला वाला गांव के नाम से भी जानते हैं इस गांव में जन्म के समय बच्चे के नाम के बजाय एक धुन देने की अनूठी प्रथा है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार मिला है और आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है और

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका से हो सकता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक एम रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना है भारत में बहुआयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है एम के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक एम का प्रकाशन करने वाली एजेंसियां यथा ओ पी एच आई ऑक्सफोर्ड तो पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इन इनिटिएटिव तथा यू के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की उनकी निष्पादन के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का है

हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है और प्रथम राष्ट्रीय एम पी आई रिपोर्ट और डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दो सर्वेक्षण चार दो हज़ार पंद्रह सोलह के आंकड़ों पर आधारित है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण तीन आयामों से स्वास्थ्य शिक्षा रहन सहन का स्तर में विभक्त बारह संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया गया है

शीस पाँच राज्य देखें तो बिहार टॉप पर है बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत में इक्यावन दशमलव इक्यावन दशमलव इक्यानवे प्रतिशत झारखंड दूसरे पर बयालीस दशमलव सोलह प्रतिशत उत्तर प्रदेश तीसरे सैंतीस दशमलव उन्यासी प्रतिशत मध्य प्रदेश छत्तीस दशमलव पैंसठ प्रतिशत पाँच पर और मेघालय आपका बत्तीस दशमलव सड़सठ परसेंट के साथ पाँचवें स्थान पर और असम पाँचवें स्थान पर बत्तीस दशमलव सड़सठ के साथ दोनों के बराबर है ना ठीक है तो टॉप पर आप देखिए बिहार है पहले पर झारखंड दूसरे पर उत्तर प्रदेश तीसरे पर टॉप थ्री जरूर याद रखिएगा केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या जीरो दशमलव इकहत्तर परसेंट के साथ बाला राज्य है एक बात और आपको बता दूं केरल हर क्षेत्र में आगे है चाहे आप देखिए शिक्षा के मामले में देख लीजिए स्वा, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए कभी आप देखते हैं कि इंडेक्स आते हैं सूचकांक आते हैं तो उसमें केरल आपको टॉप ही देखने को मिलेगा कैंसा प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नागर हवेली सत्ताईस दशमलव छत्तीस परसेंट में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि पुदुचेरी में एक दशमलव बहत्तर परसेंट के साथ कम है सबसे विभिन्न संकेतकों में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य न्यूनतम अग्री राज्य वंचित जनसंख्या वाले राज्य संकेतक हो गया पिछड़ा राज्य हो गया वंचित जनसंख्या प्रतिशत में हो गया अग्री राज्य और वंचित जनसंख्या प्रतिशत में हो गया पोषण में आप देखें बिहार पिछड़े राज्य में पहले पर और अग्रणी राज्य में सिक्किम बाल एवं किसु किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप पर में, में, राज्य राज। और राज्य राज में और केरल में है। देख रहे हैं? आप लोग केरल टॉप पर ही चल रहा है स्कूल में उपस्थिति में बिहार नीचे से टॉप कर रहा है पिछड़ा है और केरल टॉप पर है खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन में बिहार नीचे गोवा ऊपर स्वच्छता में झारखंड नीचे केरल ऊपर पेयजल में मणिपुर नीचे पंजाब ऊपर तो आप लोगों को अगर ये प्रतिशत में याद रखना है तो रख सकते हैं मुझे लगता है कि कम पूछा जाएगा लेकिन वैसे याद रखिए विद्युत में बिहार नीचे गोवा ऊपर आवास में मणिपुर नीचे केरल ऊपर संपत्ति में नागालैंड ऊपर नीचे पंजाब ऊपर बैंक खाते में नागालैंड नीचे हिमाचल प्रदेश ऊपर उत्तर प्रदेश की सैंतीस दशमलव उन्यासी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी बहुआयामी रूप से गरीब है उत्तर प्रदेश का एम स्कोर जीरो है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चवालीस दशमलव तैंतीस बत्तीस प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में अठारह दशमलव जीरो सात प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी रूप से है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीब वाले पाँच जिले श्रावस्ती आप देखेंगे सर्वाधिक बहुआयामी आयामी वाला गरीब वाले ज़िला है और बहुआयामी जनसंख्या प्रतिशत में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाला ज़िले लखनऊ मतलब सही स्थिति पर है बहराइच सर्वाधिक और न्यूनतम कानपुर नगर बलरामपुर आप देखेंगे ऊपर और नीचे आप देखें गौतम नगर खिरी ऊपर गाजियाबाद नीचे गोंडा ऊपर झांसी नीचे चलिए आप लोग याद रखिएगा अब बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में 2021 का है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष उन्नीस सौ स्थापित में स्थापित बेंगलोर स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है तो ये भी याद रखिए किसके द्वारा ये बनाया जाता है यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है और हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स दो को प्रकाशित किया गया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह छठवा वार्षिक संस्करण है छठवा और आप देखेंगे कि पी ए आई दो हज़ार इक्कीस के तहत वर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है और आप देखेंगे पी ए आई दो हज़ार इक्कीस में निम्नलिखित तीन स्तंभों पाँच विषयों चौदह सतत विकास लक्ष्यों और तैंतालीस संकेतकों के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है तीन स्तंभ थ्री पिलर्स समता समृद्धि सह संविन्नता और आप देखेंगे पाँच विषय इसमें अभिव्यक्ति जवाबदेही और सरकार की प्रभावशीलता विधि का शासन विनिमय भी, की विनिमयन की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एस चौदह एसडी जी लक्ष्य इसमें एस डी जी लक्ष्य एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह नहीं पंद्रह सोलह तो याद रखिए उपयुक्त पर आधारित तैंतालीस संकेतक तक हैं और रैंकिंग हेतु राज्यों की को उनकी जनसंख्या के आधार पर दो श्रेणियों में यथा बड़े राज्यों दो करोड़ से अधिक जनसंख्या और छोटे राज्य दो करोड़ से कम जनसंख्या में वर्गीकृत किया गया साथ ही केंद्र केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग रैंकिंग तैयार की गई है बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल टॉप पर है देख रहे हैं आप लोग छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित है केंद्र प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में पुदुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित शासित है सर्वश्रेष्ठ अठारह बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नतम स्थान अठारह स्थान अठारहवां स्थान मिला है प्रदेश के सरकारी तंत्र के लिए चिंता का विषय है और आप देखते हैं फिर भी तारीफ होती रहती है उत्तर प्रदेश की एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड दो हजार एस शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड दो हज़ार स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का साधन है इसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है इस सूचकांक की रूपरेखा इस सूचकांक की रूपरेखा में छप्पन यूएलबी बी एवं सतहत्तर संकेतक शामिल है ये सतहत्तर संकेतक एक एस एवं छियालीस एस डी उप लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं एस डी जी चौदह जल के नीचे जीवन को केवल तटीय क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होने के कारण उसे सूचकांक में शामिल नहीं किया गया एसडीजी डी सत्रह लक्ष्यों के हेतु भागीदारी को भी इस सूचकांक के दायरे से बाहर रखा गया है और तेईस नवंबर दो को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है इक्कीस बाईस यह सूचकांक डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी जी और बी के मध्य समन्वय का परिणाम है इस सूचकांक में शिमला को प्रथम कोयम्बटूर को द्वितीय जबकि चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर मिला है यहाँ देख लीजिए आप लोग एसडी शहरी सूचकांक दो हज़ार में शीस पाँच शहरी क्षेत्र हैं शहरी क्षेत्र हो गए राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए समय स्कोर शिमला पहले पर हिमाचल प्रदेश में है ये पचहत्तर दशमलव पचास स्कोर कोयम्बटूर दूसरे तमिलनाडु आप देखेंगे तिहत्तर दशमलव उन्तीस चंडीगढ़ तीसरे पर चंडीगढ़ में है केंद्र शासित प्रदेश है बहत्तर दशमलव छत्तीस स्कोर के साथ तीसरे ही स्थान पर तिरुवनंतपुरम है केरल का बहत्तर दशमलव छत्तीस के साथ, के साथ. के साथ. स्कोर के साथ पांचवें पर कोची केरल का है बहत्तर दशमलव उनतीस के साथ एसडीजी शहरी सूचकांक दो हजार इक्कीस बाईस में अंतिम पांच शहर ए छप्पन पर धनबाद है झारखंड का बावन दशमलव तैंतालीस स्कोर के साथ छप्पन पर आप देखेंगे मेरठ है उत्तर प्रदेश का ए आप देखेंगे चौवन दशमलव चार चौंसठ स्कोर के साथ चौवनवे स्थान पर आप देखेंगे ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश का पचपन दशमलव उनतीस स्कोर के साथ तिरपन पर गुवाहाटी असम का पच छप्पन दशमलव उन्यासी स्कोर के साथ बावनवे स्थान पर बावन फिफ्टी टू पटना है बिहार का सन्तावन दशमलव उनतीस के स्कोर के साथ तो टॉप पर आप देखेंगे कि शिमला है और नीचे से टॉप एक तरह से धनबाद कर रहा है सबसे बुरी स्थिति में ठीक है अंतिम में तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और ऐसे डीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश की शहरों की स्थिति लखनऊ छत्तीसवें स्थान पर है स्कोर याद रखना हो तो रख लीजिए अड़तीस पर कानपुर है इकतालीस पर गाजियाबाद है बयालीस पर प्रयागराज है छियालीस पर वाराणसी है और उनचास पर आगरा है पचपन पर आपका मेरठ है सबसे अच्छी स्थिति में आपका क्या है लखनऊ है ठीक है बयासठ दशमलव बासठ दशमलव तिरानबे स्कोर के साथ अब हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते ही हैं हैं कि नहीं आते आते हैं ना तो 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का छठवा संस्करण है याद रखिए छठवे संस्करण है इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई शहरी की घोषणा की गई है जिसका नाम पेरक दौड़ सम्मान इस सम्मान के तहत पांच अतिरिक्त औप होंगी जिसमें आप देखें प्लेटिनिया पेलेट, प्लेटिनम अनुपम गोल्ड स्वर्ण भी कहते हैं उज्जवल सिल्वर रजत उजित उदित ब्रांज कांस आरोही एस्पायरिंग आकांक्षी तो प्लेटिनम स्वर्ण रजत कांस और आकांक्षी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 28 दिनों तक सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के तैंतालीस सौ शहर यानी कि तीन शहरों को शामिल किया गया और बासठ कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल किए गए इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण की अच्छा सा संस्करण का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे इक्यानवे गंगा नगरों को भी शामिल किया गया है और आप देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से एक लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पर लगातार पांचवी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है दस शहरों की रैंकिंग में एक लाख से अधिक जनसंख्या सैनी में इस प्रकार क्या इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें ये रैंक हो गई ये शहर हो गया जैसे इंदौर आपका पहले पर है मध्य प्रदेश का शहर है और एक लंबे समय से आप देखिए पहले बना हुआ है सूरत दूसरे गुजरात गुजरात में है विजयवाड़ा तीसरे पर आंध्र प्रदेश में है चौथे पर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है पांचवे पर पुणे महाराष्ट्र छठवें पर रायपुर छत्तीसगढ़ सातवें पर भोपाल मध्य प्रदेश आठवें पर बड़ोदरा नौ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और दसवें पर अहमदाबाद तो आप लोगों को टॉप थ्री तो याद रखना है इंदौर पहले सूरत दूसरे विजयवाड़ा तीसरे और आप लोग जिस भी इस, इस, मतलब स्टेट से संबंध रखते हैं राज्य से हैं उसमें जिस भी शहर को टॉप मिला है जो स्थिति मिली है उसको भी याद रखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है से इस दस शहरों में एक से दस लाख जनसंख्या श्रेणी में रैंकिंग इस तरह है ये आप देखेंगे नई दिल्ली को पहला दूसरा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को तिरुपति आंध्र प्रदेश को तीसरा चौथे पर नोएडा उत्तर प्रदेश पाँचवें पर उज्जैन मध्य प्रदेश छठवें पर गांधीनगर गुजरात सातवें पर मैसूर कर्नाटक आठवीं पर बुरहानपुर मध्य प्रदेश और नौवें पर है धूले महाराष्ट्र और दसवीं पर देवास मध्य प्रदेश तो इसमें टॉप पर नई दिल्ली है अंबिकापुर दूसरे तिरुपति तीसरे दस लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में बीस शहरों में उत्तर प्रदेश के दो शहरों को स्थान मिला है लखनऊ को बारहवां और गाजियाबाद को अठारहवां और दल लाख दस लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर को इक्कीसवा और आगरा को चौबीसवा मिला है प्रयागराज को छब्बीसवा मिला है मेरठ को उनतीसवा मिला है और मेरठ को सत्ताईसवा मिला है माफ करिए और बनारस को तीसवा मिला है एक लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बीटा सांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है तो याद रखिए महाराष्ट्र में है और राज्यों की रैंकिंग में इस तरह है शीर्ष स्थान प्राप्त पांच राज्य सौ स्थानीय निकायों से कम और शीर्ष स्थान प्राप्त पांच राज्य सौ स्थानीय निकायों से अधिक में है ये कम में है तो झारखंड पहले पर और हरियाणा दूसरे दूसरे गोवा तीसरे चौथे पर उत्तराखंड पांचवे पर हिमाचल प्रदेश इसमें सौ स्थानीय निकायों से अधिक में छत्तीसगढ़ पहले पर महाराष्ट्र दूसरे तीसरे पर मध्य प्रदेश चौथे पर गुजरात पांचवे पर आपका आंध्र प्रदेश सौ शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का छठवा स्थान है गंगा नगरों की रैंकिंग में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा गंगा नगरों गंगा नदी के किनारे बसे नगर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान स्थान प्राप्त हुआ है जबकि दूसरे तीसरे और चौथे पर क्रमशः मुंगेर बिहार पटना बिहार कानपुर उत्तर प्रदेश शामिल है एक लाख से कम की जनसंख्या वाले ग... गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को का कन्नौज प्रथम स्थान पर और बिजनौर दूसरे स्थान पर है और विभिन्न श्रेणियों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर देखें तो भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर में 40 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद गुजरात भारत का सबसे स्वच्छ बाड़ा शहर 10 से 40 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नवी मुंबई महाराष्ट्र भारत का सबसे अच्छा स्वच्छ माध्यम शहर 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ कुछ छोटा शहर एक से तेरह लाख जनसंख्या श्रेणी में नई दिल्ली भारत की के किसी राज्य के अंदर शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी गांधीनगर गुजरात की और नई प्रदर्शन सैनी दौड़ सम्मान के तहत पांच शहरों तिरुपति आंध्र प्रदेश नई दिल्ली दिल्ली और सूरत गुजरात इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य फिलेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है गोल्डन अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के पांच शहर नोएडा सहारनपुर प्रयागराज मेरठ और वाराणसी ये सहित कुल एक शहर शामिल हैं आपके और आप देखेंगे कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत तीन स्टार पाँच स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा की गई है कुल नौ शहरों यथा इंदौर सूरत दि, नई दिल्ली नवी मुंबई अम्बिकाकपुर मैसूर नोएडा विजयवाड़ा पाटन को पाँच स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित थे जबकि एक शहरों को तीन स्टार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को प्रथम जबकि नवी मुंबई महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान पर और सफाई मित्र तो सुरक्षा चुनौती दो के तहत तो छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य रैंकिंग एक घोषित किया गया है सफाई मित्र तो सुरक्षा चुनौती दो के तहत तो राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश छठा स्थान रहा है सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत तो चंडीगढ़ के सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है तो ये भी याद रखिए इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में भी बात कर लेते हैं एफी का भी महत्वपूर्ण है और इससे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बढ़ी रहेगी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माध्यम से उत्तर पूर्व प्रदेश बप... का पूर्वी क्षेत्र न केवल लखनऊ जिसे बल्कि राष्ट्रीय राजधानी से भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से जुड़ जाएगा और इससे प्रदेश के पूर्वी हिस्से के आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा यहाँ एक्सप्रेस वे कृषि वस्तुओं और अन्य उत्पादों के लिए बड़े बाजार तक बेहतर और त्वरित पहुँच प्रदान करेगा एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होने के कारण यह ईंधन बचत समय बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद भी करेगा साथ ही इससे दुर्घटनाएं होने के आसार भी कम है क्या दुर्घटनाएं होने आसार भी कम होंगे और सोलह नवंबर दो हजार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ने करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेस के लिए अड़तालीस टन स्टील की आपूर्ति की है और आप देखेंगे कि याद रहे कि 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई थी और एक्सप्रेस एक्स वे की कुल लंबाई तीन किलोमीटर यानी कि 341 किलोमीटर लगभग है और इसके साथ ही यह वर्तमान में परिचालित देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन गया है यह एक्सप्रेस वे लखनऊ जिले के लखनऊ सुल्तानपुर रोड एन से सात स्थित चांद चांदसराय गाँव से प्रारंभ होता है जबकि गाजीपुर गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त हो जाता है और याद रखिए कि यह एक्सप्रेस वे लखनऊ जनपद को गाजीबाद से जोड़ता है गाजीपुर से और इस एक्सप्रेस वे मार्ग में आने वाले नौ जिले लखनऊ बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ़ मऊ और गाजीपुर आपको देखने को मिलेंगे यह छः लेन का एक्सप्रेस है जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है और इस एक्सप्रेस पर सुल्तानपुर में कुरे कुरेभार गांव के निकट तीन दशमलव दो किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन परिस्थितियों में लैंड कर सकेंगे यहाँ से उड़ान भी भर सकेंगे लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर तीन हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन गया है यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें तो आप देखेंगे अट्ठारह अट्ठारह दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और यह एक्सप्रेसवे पूरी भी भारत उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेस की ने बे की लंबाई पाँच सौ किलोमीटर यानी कि लगभग पाँच किलोमीटर है यह एक्सप्रेस वे लेन का है जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है यह एक्सप्रेस मेरठ जिले के बिजौली गांव एन एच से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जुड़ापुर डांडू गांव पर समाप्त होगा और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके निर्माण की नोडल एजेंसी भी है क्या है एजेंसी भी है तो ये भी याद रखिएगा और एरिया एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के बारह जिलों मेरठ हापुड़ बुलंदशहर अमरोहा संबल बदायूं शाहजहांपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस पर तीन किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा और गंगा एक्सप्रेस परियोजना की अनुमानित लागत छत्तीस करोड़ रुपये भूमि लागत सहित है और पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस बन जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी प्रस्तावित है इस एक्सप्रेसवे निर्माण से औद्योगिक विकास व्यापार कृषि पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा भी मिलेगा और इससे क्षेत्र छे, के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा फिर बात करते हैं स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक दो के बारे में इससे भी आप ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है स्मार्ट पुलिसिंग का विचार वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य एवं कृषि पुलिस संगठनों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था स्मार्ट पुलिसिंग पर नांग, 2021 दो पर नागरिक संतुष्टिकरण सर्वेक्षण भारत में पुलिसिंग पुलिसिंग की गुणवत्ता की के संबंध में नागरिकों के दृष्टिकोण और पुलिस पर जन विश्वास के स्तर पर का आकलन करने हेतु भारतीय पुलिस फाउंडेशन का एक क्रांतिकारी प्रयास है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस विभाग पुलिस में सुधार की बात लंबे समय से उठती आई है और आप देखिए कि आज लोग आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए एफ करवाने के लिए जाने से भी डरते हैं और कई जगह आप लोग देखते रहते हैं कि पुलिस ही जो रक्षक समझते हैं हम लोग वो भी भक्षक निकलती रहती है तो सभी पुलिस पुलिसवाली नहीं करते हैं लेकिन कुछ तो कहते हैं ना वो कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो उसी में सुधार में अभी आप देखिए ललितपुर की घटना हो कई इस तरह की घटना है कि आप देखिए थाने में जाकर आप देखिए इस तरह की उल्टे सीधे घटनाएं हो जाती हैं नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया यह सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित इस सर्वेक्षण में उनतीस राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और आप देखेंगे कि सभी राज्यों को लगभग शामिल किया गया है और यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक का निर्धारण स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर के आधार पर किया गया है और आप देखेंगे स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर को एक से दस के पैमाने पर मापा गया है दस का स्कोर उच्चतम नागरिक संतुष्टि और जीरो सोने का स्कोर न्यूनतम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है यानी कि आप सभी लोग दस अगर स्कोर दस की तरफ बढ़ रहा है तो ठीक ठाक स्थिति में है पुलिस पोलि, वहाँ की और आग जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो बुरी स्थिति में है लोग संतुष्ट नहीं है सूचकांक में निम्नतर स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है और आप सभी जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है जो भी सूचकांक आते हैं अधिकतर में बिहार ही नीचे से टॉप करता है सूचकांक में दिल्ली को बारह बा, उत्तराखंड को पंद्रह हरियाणा को अठारह राजस्थान को बाईस मध्य प्रदेश को तेईस उत्तर प्रदेश को अट्ठाइस प्राप्त बना है देखिए उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि वो क्या होता रहता है बात चलती रहती है कि वो क्या हो गया पुलिस व्यवस्था अच्छी है कानून प्रशासन ठीक हो गया है लेकिन अट्ठाईसवा स्थान मिला है और सूचकांक में बिहार नीचे से टॉप है और इसमें अगर आप लोग देखना चूहें तो आंध्र प्रदेश पहले पर ये आप देखेंगे तेलंगाना दूसरे असम तीसरे केरल चौथे सिक्किम पाँचवें मिजोरम छठवें गुजरात सातवें उड़ीसा आठवें नौवें पर हिमाचल प्रदेश पुदुचेरी दसवें गोवा ग्यारहवें तो टॉप थ्री आप लोग याद रखिए आंध्र प्रदेश पहले पर तेलंगाना दूसरे पर असम तीसरे पर और वैसे भी आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप लोग किसी राज्य जिस राज्य से निवास करते हैं तो उस राज्य की क्या स्थिति रहती है उसे भी आप लोग याद रखा करिएगा ठीक है पुदुचेरी दसवें गोवा ग्यारहवें दिल्ली बा, दिल्ली बारहवें तमिलनाडु तेरहवें कर्नाटक चौदहवें पंद्रहवें उत्तराखंड सोलह पश्चिम बंगाल सत्रह मेघालय अठारह हरियाणा उन्नीस त्रिपुरा बीस जम्मू कश्मीर इक्कीस महाराष्ट्र बाईस राजस्थान तेईस मध्य प्रदेश चौबीस नागालैंड पच्चीस पंजाब और छब्बीस झारखंड सत्ताईस छत्तीसगढ़ और अट्ठाइस उत्तर प्रदेश और उनतीस बिहार उनतीस राज्य केंद्रशासित प्रदेश सबको मिलाकर इसमें शामिल किया गया चलिए अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 15 अगस्त उन्नीस सौ को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था और आप देखेंगे कि और मध्यान्हन भोजन के योजना के नाम से आप लोग इसे जानते थे और इसका लाभ भी आप लोगों ने लिया होगा अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे इसका उद्देश्य स्कूल में नामांकन पित्ती धारण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य था बीस उनतीस बीस सेप्टेम्बर दो को नरेंद्र मोदी साहब हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब आप सभी जानते होंगे कि नहीं जानते तो इन्होंने मोदी साहब की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की है एक तरह से इसका नाम बदलने की बात हुई है देखिए मैं मेरा मानना है कि देखिए नाम बदलने से क्या हो जाता है क्या सुधार हो जाता है उस योजना की गुणवत्ता में और आप देखिए कई राज्यों से आप देखते हैं कि खबर आती रहती है कि वहां इतनी बुरी स्थिति है इतनी बुरी स्थिति है इस योजना की इस योजना में ये मिल रहा है वो मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए दो हजार इक्कीस की बात है ये भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है और यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा यह केंद्र पर आयोजित योजना कक्षा एक से लेकर आठवीं तक स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी इस योजना से देश भर में ग्यारह लाख स्कूलों में बढ़ने पढ़ने वाले लगभग ग्यारह करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे और यह योजना पूर्व में चल रही मध्यान्ह भोजन योजना का स्थान लेगी और प्राथमिक कक्षाओं हेतु स्कूल पति बच्चे के लिए सौ ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के ग्यारह दशमलव अस्सी करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी है फिर आपका राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक दो हजार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है इस योजना को पहल, इस सूचकांक को पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था 2021 का अपने सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है तो आप सभी को 7 जून को याद रखना चाहिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है दो हजार का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है और दो हजार में देश के 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और सौ अंकों में कुल प्राप्त के आधार पर तीन बड़े राज्य गुजरात बहत्तर के साथ टॉप पर पहले पर दूसरा केरल सत्तर के साथ तमिलनाडु चौंसठ के साथ आप देखेंगे अंकों के साथ तीसरे छोटे राज्यों में गोवा तिरसठ नंबर के साथ टॉप पर मेघालय तिरपन के साथ दूसरे पर मणिपुर तीसरे पर संघ राज्य क्षेत्रों में तीन जम्मू कश्मीर सड़सठ के साथ पहले अंडमान निकोबार इकसठ के साथ दूसरे दिल्ली अंठावन तो सौ अंकों में कुल के टॉप तीन बड़े राज्य तो गुजरात इसमें पहले पर है केरल दूसरे तमिलनाडु तीसरे छोटे राज्यों में गोवा पहले मेघालय दूसरे मणिपुर तीसरे संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर पहले अंडमान निकोबार दूसरे और दिल्ली तीसरे पर सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों में मिजोराम देख लीजिए छोटे राज्यों में आठवें स्थान पर है बिहार बड़े राज्यों में बीसवें स्थान पर है लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में आठवें स्थान पर है इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश पांचवा स्थान है तो प्राप्त उनसठ मिला है तो यह भी याद रखिएगा रेल कौशल विकास योजना ऐसे योजना के बारे में जान लीजिए रेल कौशल विकास योजना भारत की बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है और 2021 को रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है और आप देखेंगे कि रेल कौशल विकास योजना भारत की की के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि में पचास हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा यह प्रशिक्षण चार ट्रेडों यथा और मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाएगा इसमें सौ घंटे की बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा आपका और इस प्रशिक्षण हेतु हेतु अठारह से पैंतीस आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है तो ये भी याद है भारत में अपराध इसके बारे में भी जान लीजिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एन द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम संस्करण उन्नीस में प्रस्तुत किया गया था और इसी क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिकॉर्ड जारी किया गया है नया तो 14 सितंबर 2021 को एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2020 हजार बीस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है इस श्रृंखला का ये अड़सठवा संस्करण है ठीक है यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष एक जनवरी से इकतीस दो हजार के दौरान हुए अपराध पंजीकृत किया गया जिसमें आप देखेंगे बयालीस लाख चौवन हजार तीन सौ तीन सौ छप्पन भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत और तेईस लाख और तेईस लाख छियालीस हजार नौ सौ उनतीस विशेष स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं और इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 28% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई यानी कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 2020 में कुल आप देखेंगे कि 50000 35 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए हैं जो दर्शाता है कि 2019 की तुलना में 2019 में 44735 मामले थे 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए और साइबर अपराधों से आप लोग भी बचे के रहा करिएगा ठीक है आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सब हो चुका है डिजिटल इंडिया की बात हो रही तो इसमें आप देखिए नुकसान भी उतना ही हो रहा है अगर आप लोग जागरूक नहीं है तो 2020 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध अपराध के तीन लाख इकहत्तर हज़ार पाँच सौ तीन मामले दर्ज किए गए हैं जो 2019 की तुलना में आठ दशमलव तीन प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित करते हैं दो में प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर छप्पन रही है और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो सर करने के से ने 2 अक्टूबर दो मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत, ग्रामी भारत, ग्रामी भारत में है और स्वच्छ भारत तो मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गाँव ग्राम पंचायतों जिलों राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में अपने खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया गया था और खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण अर्थात ओडीएफ प्लस में प्रवेश कर चुका है और मुझे लगता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता अभियान अगर शुरू हुआ है और सफल हुआ है तो इसमें आप लोगों की भागीदारी कुछ ज्यादा ही है और जब आप देखिए कि सभी लोग भागीदार होते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सफलता पाना स्वाभाविक हो जाती है और यही तो कहते हैं कि कोई योजना कोई काम हो रहा है तो उसमें लोगों को भागीदारी बनाइए 9 दिसंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के अंतर्गत स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया देश में ओडीए प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा और याद रहे कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को दो से दो में संचालित किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो के अंतर्गत देश भर के छः जिलों में सत्रह हजार गांव को उच्छादित किया जाएगा एस एस जी दो हजार इक्कीस ओडीएफ स्थाई तथा गांव में ओडीएफ प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित रहेगा एस एस जी दो हजार इक्कीस में कई नए तत्वों को शामिल किया गया है जो आप देखेंगे कि आपका ठोस तरल प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं और मा, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए आप देखें प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था सुजलाम अभियान इसके बारे में भी याद रखिए 25 अगस्त 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया ओडीएफ डी स्थायित एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु एक सौ दिवसीय अभियान है इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा दस लाख सोखता गड्ढों का निर्माण शौचालयों शौचालयों की मरम्मत नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच और आप देखते हैं सरकार दे भी रही सुविधा यह या अभियान देश के गांव में अल्प समय में त्वरित गति से ओडीए प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित है इंदौर के बारे में जान लीजिए भारत का पहला जल अधिक शहर 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल अधिकत वाटर प्लस शहर घोषित किया है इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल अधिकत शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है लगातार चौथी बार और आप देख रहे हैं कि हमेशा अपने आप को टॉप पर बनाए रखना बड़ी बात होती है अब बात करते हैं एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग्स की 2021 की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी एन आई आर एफ देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है याद रहे कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल दो सोलह में जारी किया गया था देखिए इस तरह के कोई रैंकिंग मिलती है इंडेक्स आता है सूचकांक आता है रिपोर्ट आता है वो पहली बार कब जारी की गई उसको भी याद रखा करिएगा ये अप्रैल 2016 में पहली बार आया था प्रथम संस्करण 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क फेंग के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग दो जारी की है एन इंडिया रैंकिंग का छठवा संस्करण है इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय कॉलेज और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है साथ ही साथ विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग प्रबंधन फार्मेसी विधि चिकित्सा वास्तुकला दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंकें प्रदान की गई है 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंड के निम्नलिखित पांच विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है शिक्षण अधिगम एवं संसाधन अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास स्नातक परिणाम पहुंच एवं समावेशिता और बोध इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में शीर्ष दस स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान देख लीजिए इसमें आप देखेंगे एक रैंकिंग पर पहली रैंकिंग पर आई मद्रास है ए चेन्नई शहर आप देखेंगे और छियासी के साथ स्कोर के साथ दूसरे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर बयासी दशमलव सरसठ स्कोर है आईआईटी बॉम्बे तीसरे पर मुंबई में है बयासी दशमलव बावन स्कोर आईआईटी दिल्ली है चौथे नंबर पर नई दिल्ली में और बयासी इक्यासी दशमलव पचहत्तर स्कोर आईआईटी कानपुर है पाँचवें नंबर पर कानपुर में छिहत्तर दशमलव पचास परसेंट स्कोर के साथ एक तरह से आई आई टी खड़गपुर आप देखेंगे पचहत्तर दशमलव बासठ क्या है स्कोर के साथ तो याद रखिए टॉप आईआईटी मद्रास भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे आईआईटी बॉम्बे तीसरे पर है ठीक है और आईआईटी रुड़की सातवें नंबर पर है आईआईटी गुवाहाटी आठवें नंबर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नौवें नंबर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बनारस में है आप देखेंगे दसवें नंबर पर एन की रैंकिंग के शीर्ष दस में उत्तर प्रदेश के दो संस्थानों आई कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है तो ये भी याद रखिए उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान पाँचवें नंबर पर आईआईटी कानपुर है दसवें नंबर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है अठारहवें नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अट्ठाईसवें आई, आई आई टी है बनारसी तैंतालीसवें पे एमएटी विश्वविद्यालय है गौतम बुद्ध नगर में जो साठवें नंबर पर किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का चौरासीवें नंबर पर शिव नाडर विश्वविद्यालय है गौतम बुद्ध नगर का अठासीवें नंबर पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है प्रयागराज का आप लोग यूपी पी की या उत्तर प्रदेश विशेष किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश को जरूर देख लिया करिएगा आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य में अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान दे लिया करिएगा विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम और द्वितीय स्थान क्रमशः आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली को मिला है प्रबंध श्रेणी में आई अहमदाबाद को प्रथम और आई आई बेंगलोर को दूसरा स्थान मिला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर को विधि की, कानून की श्रेणी के तहत प्रथम स्थान मिला है धन चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उड़ीपी कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जाम, जामिया हमदर्द नई दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है तो ये भी याद रखिएगा छोटे हैं लेकिन बड़ी बातें और कॉलेज श्रेणी में लगातार चौ पांचवी वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है ठीक है अब हम बात करते हैं कार्बी आंग लोंग समझौता ये क्या समझौता है तो कार्बी आंग लोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है क्या है बड़ा जिला है और यहाँ वित्तीय निजातीय तथा तो आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो कोकी और हमार, तिवा, गारो, मान, नांगा आदि का मिलन बिंदु है इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उतार उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है और आप देखेंगे चार सेप्टेम्बर दो को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री कारवी आंगलोंग स्वायत परिषद के प्रतिनिधियों एवं पांच उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कारवी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ है और याद रखिए इस तरह के जो विद्रोही लोग हैं उग्रवादी समूह में शामिल हैं चाहे वो नक्सलवादी क्यों ना हो ये सही सभी हमारे देश के लोग हैं और इनसे आप देखिए कि हमें समझौता करना होगा अब आप सोचिए कि बाहरी लोगों से तो हम लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से कहाँ तक लड़ सकते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा नई सरकार ने कई कदम उठाए इस दिशा में और कई उग्रवादी संगठनों ने समझौता किया भी है और शांति भी बनाए हुए बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि गुट पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कारवी लोंगरी कार्वी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट काबरी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स कोकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस समझौते के, के तहत पांच प्रमुख उग्रवादी समूहों के एक हज़ार से ज़्यादा सशक्त उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए कारवी क्षेत्र के विकास के लिए अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे और के के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कारवी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कारवी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा और असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित प्रभावित किए बिना कारवी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान करना है और कारवी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा और कारवी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाएगा उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल है और आज भी देखिए हमारे यहाँ जो आदिवासी लोग हैं ना वो बड़े अपने संस्कृति को धर्म को मानते हैं और उनके क्षेत्र में अगर आप लोग भी कभी घूमने जाते हैं तो आप लोग वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया करिएगा क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि वो उग्र हो जाते हैं वो जान लेने पर उतारू हो जाते हैं फिर आप देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूच सूचकांक और डैशबोर्ड दो हजार इक्कीस अगस्त दो की बात है कि नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को संस्करण को जारी किया है और आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य और सूचकांक है और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अपनी एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है यह सूचकांक नीति आयोग की एस इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं एस प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और तो उसके जिलों की सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और इसके बारे में कुछ पॉइंट रख सकते हैं एन ई आर डी एस डी जी आई और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति के को उन चौरासी संकेतकों के आधार पर मापता है, है।, है और प्रत्येक जिला हेतु एन ई HD, आर एस डी जी इंडेक्स एस डी आर एस डी जी वार पंद्रह सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है और एस डी जी चौदह और सत्रह को इस गणना से बाहर रखा गया है और प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को जीरो से सौ पैमाने पर मापा गया है यदि किसी जिले को 100 अंक प्राप्त हुए हैं तो इसका अर्थ है कि उस जिले में 2030 तक हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और इस सूचकांक में पचहत्तर दशमलव सतासी अंक के साथ पूर्वोत्तर पूर्वी सिक्किम जिला पहले और आप देखेंगे पचहत्तर दशमलव तिहत्तर अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के एक जिलों के अंक तिरपन से पचहत्तर तक विस्तृत है जिसमें तिरपन अंक के साथ फिर नागालैंड अंतिम स्थान पर है नागालैंड का जिला है रैंकिंग में 103 जिलों में से चौसठ जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्री श्रेणी के अंतर्गत है जबकि चौंतीस जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में है सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्री श्रेणी में है जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या लक्ष्य प्राप्त कलता श्रेणी में नहीं है इसके और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे सिक्किम की राज्य मछली अठारह 18 दो 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है राज्य मछली घोषित किया है कॉपर महसी का वैज्ञानिक ना, नाम नामोलोनोले सो, है, है और यह मछली मुख्य रूप से तिस्ता और रंगित नदियों और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है वर्ष उन्नीस में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय महत्व मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने केटली मछली को लुप्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे लुप्त श्रेणी में वर्गीकृत किया है फिर बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल फार्म मिशन की तो, तो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल फार्म मिशन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की थी एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस मिशन के उद्देश्य अगर आप देखें 2025-26 तक ऑयल पाम के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और अंततः इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना कच्चे तार तेल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक अट्ठाईस अट्ठाईस टन तक पहुंचाना याद रहे कि तिलहन उत्पादन 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़कर दो हजार में तीन सौ पेंस, लाख टन तक पहुँचाए पहुंच गया है इस योजना के लिए ग्यारह करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय निर्धारित किया गया है कुल परिव्यय में आप में से देखेंगे आठ हज़ार आठ सौ चवालीस करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी और जबकि इक्कीस सौ छियानवे करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा दिया जाएगा ठीक है फिर आप देखेंगे जलियावाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क इससे भी याद रखिए जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1991 के माध्यम से जलियावाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है इस स्मारक का प्रबंधन जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और देश में 13 देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 1920 तक जल माफ करिए 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियावाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और याद रखिए 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियावाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया याद रही 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियावाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का आधार की आधारशिला रखी गई थी और इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रंजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई थी और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियावाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा की है यह पार्क चार चार सौ नब्बे वर्ग मीटर से चे, अधिक क्षेत्र में निर्मित है बना हुआ है और इन इस शताब्दी स्मारक के तहत सफेद स्तंभों का निर्माण किया गया है और आप देखेंगे जलियावाला जलियावाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम उन्नीस सौ के माध्यम से जलियावाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा रखोगे ना अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू पॉइंट जीरो की और ये आप देखिए काफी पॉपुलर योजना है एक मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों गैस लकड़ी कोयला उपले इत्यादि का उपयोग करने वाली ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पांच करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का कर लक्ष्य रखा गया था दो निम्न थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंत्योदर अन्न योजना अन्य पिछड़ा पिछड़ा वर्ग चाय बागान से संबंधित जनजातीय वनवासी द्वितीय क्षेत्र नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को संशोधित कर आठ करोड़ कर दिया गया और सात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ करोड़ एल पी जी कनेक्शन औरंगाबाद और 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया क्या किया शुभारंभ किया और उज्जला योजना 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया था और वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पी एम योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एल कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई थी अतिरिक्त एक करोड़ एल कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू के तहत प्रदान की जाएगी और पी एम यू वाई टू पॉइंट जीरो के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था और जिला योजना टू पॉइंट जीरो के तहत लाभार्थियों को पहला रेफिल चुबला ने प्रदान किया जाएगा और महिलाओं की स्थिति को देखकर अच्छी योजना है लेकिन आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है तो लोग कहाँ तक भरवा पाएंगे फ्री में मिल जाए आपको देखिए एक फोर व्हीलर और पेट्रोल हो जाए महंगा या डीजल हो या महंगा तो आपके पास वो भी तो पैसा होना चाहिए डीजल पेट्रोल के लिए लेकिन फिर भी आपके ये कुछ ना मिलने से अच्छा तो है कुछ मिले 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने आर एम आई और आर एम आई इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की या उपभोक्ताओं के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है क्या लाना है तेजी लाना है और आप देखेंगे लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के दो नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था जबकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है और पांच अगस्त दो को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक दो पारित किया गया छह अगस्त दो को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और बारह अगस्त दो को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप लिया है आप सभी को मालूम होगा अगर आप लोगों को मालूम है देखिए क्या रहता है ना कि जब कोई प्रस्ताव आता है तो आपने देखा होगा राज्यसभा में लोकसभा में रहता है जब तक वो विधेयक कहलाता है उस पर देखिए राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है और राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है तो वो एक तरह से आपका क्या बन जाता है अधिनियम बन जाता है यानी कि पूरा हो जाता है दोषी की बात हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम दो में संशोधन किया गया है और आप देखें विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है और इस विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के नाम सिंधु केंद्रीय होगा यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम के किसी नदी सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है दो चरणों में सात वर्षों के लिए सात करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी और इस विद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरे लद्दाख क्षेत्र में होगा और एकीकृत एक एक बहुउद्देशीय विकास निगम 22 एक उद्देश्य को मंजूरी प्रदान की है और आप देखेंगे यह लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी होगी यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस निगम की स्थापना से लद्दाख तक तो विश्व एकीकृत समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा और ओमलिंग तो लादर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है चलिए इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अभी तक विश्व की सबसे ऊंची अठारह हजार नौ मोटर योग्य सड़क विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क का नाम दर्ज था ज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार फेयर बैंक अलास्का अमेरिका से सेंटियागो चिली तक फिर यहाँ से पूर्व की ओर ब्यूनस अर्जेंटीना तथा तक तथा ब्राजीलिया ब्राजील में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे बिस्क की सबसे लंबी मोटर सड़क योग्य है इसकी लंबाई आप देखेंगे चौबीस हजार एक सौ चालीस किलोमीटर यानी कि पंद्रह सौ मील पंद्रह सौ मील है ये ठीक है और आप देखेंगे चार अगस्त दो हजार इक्कीस को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा, संगर, सीमा सड़क संगठन सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालित योग्य सड़क का निर्माण कर, कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और ये आप देखेंगे कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है ये याद रखिए सबसे ऊंची 19,300 फीट है ये कितनी उन्नीस और आप देखेंगे क्या देखेंगे कि इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था और इस सड़क का निर्माण हेमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया यह बावन किलोमीटर लंबी डमरी के रोड है ओमलेंगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले देमचोक गाँव को आपस में जोड़ती है एक एक सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार सेवरों से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई है याद रहे कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिणी दक्षिण दच्चेड़ आधार शिविर सत्रह मीटर फीट की ऊंचाई पर जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर सोलह फीट की ऊंचाई पर स्थित है आप देखेंगे सत्रह हजार सात सौ फिट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई है प्रोजेक्ट हेमांग प्रोजेक्ट हेमांग आप देखेंगे तो लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त दो अगस्त उन्नीस में प्रोजेक्ट हेमांग को सीमा सड़क संगठन बी द्वारा लॉन्च लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है हिमांक परियोजना के तहत बी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख में सड़कों संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है जिसमें खार दुंग ला तंग लांग ला चांगला दर्रे में की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर युग सड़कें भी शामिल है आपकी लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आप देखते हैं कि एक तरह से जो विशेष अधिकार मिला हुआ था जो आप देखते हैं संविधान कहते थे कि उसका अलग है तो वो सब हटने के बाद आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी लेकिन क्या होगी विधानसभा होगी और दिल्ली की तरह समझ रहे हैं आप लोग तो ये भी याद रखिएगा और आप देखें क्या देखें इकतीस अगस्त दो को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए को राज्य पशु जबकि काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है याद रहे कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण या हंगुल जबकि राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था हिम तिंदुओं का वैज्ञानिक नाम पैंथरा उन्सिया है और जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्री कोलिस है याद रही टी यू सी एन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुबेद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है शामिल किया गया है ना हिम उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो स्नोफर्ड को लॉन्च किया था याद रहे रहीस अक्टूबर को विश्व हिम तिदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है आई यूसी रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांग था क्षेत्र में जा, पाए जाते हैं तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं क्या याद रख सकते हैं याद भी रखना चाहिए मुझे लगता है ई e रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन आजकल आप देख रहे हैं कि भुगतान साधन की बात होने लगी है बड़े आप देख रहे होंगे कि नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं ट्रांसफर पैसा आप लोगों को अब नगद में जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोग जहां जाते हैं वहां तुरंत स्कैन करके आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं दो अगस्त दो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी ई रूपी को लॉन्च किया है यह विशेष व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित और संपर्क रहित साधन है देश में नगद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है ई रूपी विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है मूलता ई रूपी एक डिजिटल बाउचर है जो लाभार्थी उपयोगकर्ता को उसके फोन पर एस या क्यू कोड के रूप में प्राप्त होता है यह एक पूर्व भुगतान बाउचर होता है डिजिटल क्यू कोड या एस एस के रूप में प्राप्त ई बाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है यह भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार डिजिटल भुगतान या ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है अच्छी बात है। है। के प्रयोग किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना नहीं है। यह एक, आप, आप एक क्रांतिकारी पहल है यूरोपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसके द्वारा एक आसान दो चरणों वाली विक्रिया के माध्यम से संपर्क भुगतान सुनिश्चित होगा जिससे व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे 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 उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी वीई रूपी e का प्रयोग कर पाएंगे और वैसे तो आजकल आप रहे हैं कि स्मार्टफोन सबके पास है इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग संभव हो सकेगा यूरोपी e भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा डी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है सी डीसी भविष्य में जारी जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है जबकि ई रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल है सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय नामक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है इसलिए नए मंत्रालय का कारभार अमित शाह कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया है आपके होम मिनिस्टर भी हैं अमित शाह साहब जबकि बी एल वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है और यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा यह मंत्रालय सरकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सरकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष दो को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था सहकारिता दिवस पिती, जुलाई, की को मनाया जाता है ये भी याद रखा लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया और इस नए विभाग को के जोड़ने से अब वित्त मंत्रालय के छह विभाग हो गए वित्त मंत्रालय के विभाग देखें आर्थिक कार्य विभाग व्यय विभाग राजस्व विभाग निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग लोक उद्यम विभाग साथ ही अब भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है अब बात करते हैं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 को देख लीजिए ये दस जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से जारी आई मास्क करिए ए आई एस -E, एच ई श्रृंखला में यह दसवीं रिपोर्ट है दसवीं रिपोर्ट है उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2018-19 के तीन दशमलव चौहत्तर की तुलना में 2019-20 दो हजार की वृद्धि के साथ करोड़ रहा है यानी कि बढ़ोतरी देखी गई कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या उनचास प्रतिशत है अच्छी बात है भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है और आप देखें तमिलनाडु का नंबर आता है और सकल नामांकन अनुपात उच्च शिक्षा में नामांकन पात्र तो पाक्त आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत वर्ष 2014 में 15 के पंद्रह की चौदह पंद्रह की चौबीस दशमलव तीन प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2019-20 में सत्ताईस दशमलव एक प्रतिशत रहा है उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश आठ हज़ार नौ सौ पचासी प्रथम स्थान पर है इसके साथ इसके बाद महाराष्ट्र छः हजार नौ सौ बानवे के साथ दूसरे और कर्नाटक तीसरे पर पाँच हजार आठ सौ छः के साथ उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक वर्ष दो हज़ार अठारह उन्नीस के एक दशमलव जीरो जीरो के मुकाबले वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस -20 में एक दशमलव जीरो एक रहा है अखिल भारतीय स्तर पर दो हज़ार उन्नीस बीस में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात एक छब्बीस है भारत में कॉलेजों की संख्या में आठ राज्य उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक राजस्थान प्रदेश, तमिलनाडु मध्य प्रदेश, और गुजरात हैं। चलिए अब बात करते हैं सीईओ वाटर मैंडेट मैंडेट की और एक, -एक नया टॉपिक है और इस पर भी बात कर लेते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आराम से आप लोग उनके आंसर दे पाएंगे सीईओ वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर लाती है इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कयान्वन पैसेफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका की भागीदारी में किया गया जाता है और 4 जून 2021 जार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एन लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षर बन गई है हस्ताक्षरकर्ता बन गई है और आप देखेंगे इसके साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब एन लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु थ्री आर रिड्यूज कम करना रियूज पुनर्पयोग करना रिसाइकिल अब देखिए पुनर्चक्रण को और अधिक बढ़ावा देगी और अगस्त 2021 में भारत की दो कंपनियां एक जल जयपुर जयपुर राजस्थान एक सृष्टि लाइफ साइंस बड़ौदरा गुजरात भी सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है एन ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा ये सत्ताईस जून दो को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एन लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिससे जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद संवाद के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है एन ने वर्ष दो तक साठ गीगावाट तक की नवीन करणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है साथ ही एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है भारत का सबसे बड़ा पार्क ये आप देखेंगे 22 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रन में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है यह भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क होगा जिसकी क्षमता चार हजार सात सौ पचास मेगावाट होगी कितने सात हजार माफ करिए चार हजार सात सौ पचास मेगावाट होगी इस पार्क से व्यवसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है तेरह जुलाई 2021 को एनटीपीसी टी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है और इक्कीस अगस्त दो को एन ने विशाखापतनम आंध्र प्रदेश स्थित सिम्हाद्री ताप विद्युत संध के जलाशय पर तैत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की है और इस तौर तो तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 25 मेगावाट है और इसके इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में एन द्वारा सौ मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की है मार्च 2022 तक स्थिति के अनुसार रामागुंडम परियोजना की कुल संचालित विद्युत उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट तक पहुंच गई है याद रहे कि एनटीपीसी टी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली एक अनुसंगी इकाई है त्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड दो हज़ार बीस इक्कीस तीन जून दो हजार इक्कीस को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड दो हजार बीस इक्कीस नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र भारत की नेतृत्व वाली एजेंसियों एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है यह सूचकांक भारत सभी के सभी राज्यों के केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एस डी को प्राप्त करने के संदर्भ में उसकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 एस डी जी एस में प्रदर्शन के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है वर्ष दो हजार की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है जो सोलह एसडी जी के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करती है कुल सोलह एसडीजी लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को के प्रदर्शन को जीरो से सौ के पैमाने पर मापा गया है और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया गया आकांक्षी जीरो से उनचास अच्छा प्रदर्शन पचास से चौंसठ अग्नि पैंसठ से निन्यानवे और लक्ष्य प्राप्त करता सौ पर अंक नवीनतम रिकॉर्ड में भारत का संयुक्त स्कोर छियासठ रहा है जबकि दो में एसडीजी का भारत सूचकांक में यह साठ था क्या था

दूसरे नंबर पर है चौहत्तर स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटक उत्तराखंड चौथे स्थान पर है ये आप देखेंगे बहत्तर स्कोर के साथ आठवें स्थान पर सिक्किम है इकहत्तर स्कोर के साथ नौवें महाराष्ट्र है आपका सत्तर स्कोर के साथ तो केरल टॉप पर है एस भारत सूचकांक दो हज़ार में अंतिम पांच राज्य बिहार अट्ठाईस रैंकिंग के साथ आप देखिए बावन रे स्कोर बावन स्कोर है और सत्ताईस झारखंड है सत्ताईसवें नंबर पर छप्पन स्कोर के साथ और असम छब्बीसवें नंबर पर संतावन स्कोर के साथ बाईसवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश मेघालय राजस्थान उत्तर प्रदेश है साठ स्कोर के साथ और उन्नीसवें नंबर पर छत्तीसगढ़ नागालैंड उड़ीसा है इकसठवें स्कोर के साथ टॉप टॉप पे आप लोगों को याद रखना है केरल है और नीचे से टॉप कर रहा है बिहार अट्ठाईसवें नंबर पर ठीक है एच भारत सूचकांक अंक दो हज़ार बीस इक्कीस में प्रदेशों को देख लीजिए चंडीगढ़ पहले नंबर पर उन्यासी स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली दिल्ली पुडुचेरी लक्षद्वीप है अड़सठ अंक के साथ स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सड़सठ अंक के साथ छठवें स्थान पर जम्मू और कश्मीर लद्दाख है ये छियासठ अंक के साथ दादा और नागर हवेली एवं दमन द्वीप है ये बासठ अंक के साथ आठवें स्थान पर है अपने अपने राज्य की याद रखी ओवरव्यू आप लोग याद रख सकते हैं ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है ताप विद्युत संयंत्रों में बायो मास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन ये मई दो में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग का एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है

पर विचार करना इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की, की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की परिकल्पना की गई है और जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक आपके शामिल होंगे बायोमास को फा, को फायरिंग किसी बायलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं यू में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी गई है और आप देखेंगे आजी आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है यह महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा यह कार्यक्रम पूरे देश में राज्य केंद्र शासित विदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा और देश भर देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका आयोजन होगा आप सभी जानते हैं पंद्रह अगस्त उन्नीस को हमें आजादी मिल गई थी आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है श्रृंखला है और आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता स्वतंत्रता पचहत्तरवीं वर्षगाठ पंद्रह अगस्त दो हजार बाईस की पचहत्तरवीं सप्ताह पूर्व बाईस मार्च दो हजार इक्कीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आजादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया था यह पंद्रह अगस्त दो हजार तेईस तक जारी रहेगी आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीति नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति समिति का गठन किया गया है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय एक समिति की भी गठित की गई है और आप देखेंगे आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होगा आज़ादी के अमरस महोत्सव के उद्देश्य निम्न है इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं अन्य संग हीरोज को सामने लाना अठारह से उन्नीस तक मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों और युवा पीढ़ी को देना इस कार्यक्रम के माध्यम से माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना अगले 25 वर्षों पच्� के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना आप जो देखते हैं कि आसानी से आजादी नहीं मिली है विचार पचहत्तर वर्ष पर, पर उपलब्धियां और पचहत्तर वर्ष पर कार और पचहत्तर वर्ष पर संकल्प इनको भी याद रखिएगा युवा प्रधानमंत्री योजना तेईस उन्तीस मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु की युवा और नवोदित लेखकों को शिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया है युवा योजना के संदर्भ में युवा का युवा का पूर्ण रूप यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ये और, और युवा योजना इंडिया पचत, एट द रेट पचहत्तर परियोजना का आजादी का अमृत महोत्सव तो ये आप देखेंगे आपकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई एक ओवरव्यू ले लीजिए आपके महत्वपूर्ण वन डे एग्जाम के लिए इनसे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आपके इन्हें भी देख लीजिए आप लोग बारह दिवसीय हुनर हाट हुनर हाट का आयोजन कहा किया गया है सोलह से सत्ताईस अप्रैल दो हजार बाईस मुंबई में किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया सत्ताईस अप्रैल दो हजार बाईस की बात है नागपुर में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है 14 अप्रैल 2022 को मणिपुर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है ये आप देखेंगे कि अप्रैल 2022 में कौशल कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है जामताड़ा झारखंड वैक्यूम आधारित सीवरेज सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर बनाए आगरा उत्तर प्रदेश का किस संस्था द्वारा डार्क थॉन दो का आयोजन किया जा रहा है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में हॉप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी ये महाराष्ट्र में केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य में से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश किस धाम को तीर्थात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विकास विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया पुनौरा धाम बिहार को हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में जारी की गई है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप आर आर एल जी के द्वारा किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाईब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है गुजरात में और दक्षिण मोवुआंग कु को किस राज्य का पहला उडीए प्लस गांव घोषित किया गया है मिजोरम का भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया केरल में यूपी सरकार ने किस किस जिले के चार गांवों को राज्य से गाँव घोषित कर दिया है बहराइच के पूर्वोत्तर के किन तीन राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है असम मणिपुर त्रिपुरा को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बनाए कोची केरल का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कहां पर भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया है लखनऊ देहरादून कौन सा राज्य देश का पहला सौ फीतिशत एल युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जिसे घोषित किया गया है ए जेरी वस्ती है उत्तर प्रदेश सरकार के ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में कहा सिक्किम में और आप देखेंगे देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है हिमाचल प्रदेश किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है केरल किस राज्य में ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है तमिलनाडु पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला भारत का राज्य कौन है उड़ीसा किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है कर्नाटक ने पंजाब कैबिनेट ने कहा कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है ए पटियाला में और ईस्टर्न फेरी फेरल एक्सप्रेस वे पर पहले इंटे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है दासना गाजियाबाद में तेरह दिसंबर दो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ ओमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है सोलह अहमदाबाद में एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है सिमराद्री सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है पंजाब ने नागालैंड सरकार ने कौन कौन से तीन जिले बनाए हैं त्रसेमिन्यू न्यूलैंड और चोमु कीडिमा कुल पंद्रह जिले हो गए किस राज्य में पांच ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहा किया गया है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में और आप देखेंगे कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पर पश्मीना ऊन का उत्पादन किस इस, राज्य में किया जाएगा उत्तर प्रदेश में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य मध्य प्रदेश है शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय रेलवे आई ने पहला पौड़ होटल शुरू किया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे समुद्री जिला घोषित किया गया है बालासोर जिला उड़ीसा का भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है तंजाब तमिलनाडु में वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षा गा, का उद्घाटन किया गया है रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्धि के सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन तो ये जाकर आपका खत्म होता है राष्ट्रीय परिदेश आप लोग एंजॉय करिए पढ़िए अगर कुछ सलाह देने वाली बात हो तो उन्हें भी बताइएगा अगली क्लास में हम लोग विधिक परिदृष्य पर विस्तार से बात करेंगे ठीक है चलिए हम लोग मिलते रहेंगे आप लोग पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए